आई हेट रियलिटी शोज रियलिटी शोज में मॉम डैड पे गाने गाए जाते है जिसमें मॉम डैड को बहुत लाचार दिखाया जा रहा है जस्ट बिकॉज दे लव यू ब्लाइंडली वो तो बोलेंगे मेरा बेटा कितना अच्छा बट डीप इसाइड उस बाप को उस माँ को बुरा लगेगा यार शायद वो अपने बच्चे के लिए वो कर नहीं पाया मेरा बच्चा एक गा रहा है मेरे मम्मी को शो पे बुला लिया पापा को बुला लिया यार वो पेरेंट्स है वो तो एनी डे इमोशनल होंगी तुमने कैमरा क्लोज कर दिया कि के, के मम्मी पापा रो रहे हैं फिर मेरे पे फिर वो मैंने और पीछे साउंड चल रहा है मैंने यार ये नहीं चाहिए रफ्तार भाई ने मेरे को एक बात बोली थी कह रहा है मैं रैपर हूँ कह रहा तेरे को पता कल को मेरी माँ बीमार हो जाती है

आपको लोग नहीं करेंगे जो हम रोज भी भी <laughs> <laughs> so, तो मतलब ही करते हैं अभी भी करते ही बस एक्टिवा बदल गई है तो मतलब वही करते करते यही बात हो रही थी मैंने कहा यार क्या मतलब कितना टाइम ही लगेगा इसको hmm. मैंने कहा जो मैं कर रहा हूँ मेरा एक बड़ा बेसिक सा लॉजिक था तो उस टाइम पे मेरे इतने व्यूज़ आएते थे, थे कि हमने इतने ट्रैक डाल दिए थे कि हफ्ते में पंद्रह सौ दो हज़ार पंद्रह सौ दो हज़ार ऐसे oh. आते थे. When, ये ड्यूरेशन था टू थाउजेंड एटीन के नवम्बर से लेके टू थाउजेंड नाइनटीन के आ, मार्च तक कह सकते हैं <coughs> तो उस ड्यूरेशन के दौरान हम चल रहे थे तो फिर मैंने वही चीज़ बोली मैंने कहा यार अगर इतने कम व्यूज़ आते हैं हमारे एंड uh, uh, मैंने कहा कितना ही टाइम लगेगा क्या होगा hmm. सो बेसिकली मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है मिडवे uh, नहीं रहना लाइफ में या तो जीरो और या तो हंड्रेड hmm. से ऊपर ठीक <laughs> <Okay. laughs> है तो मेरा हाँ मतलब uh, मैंने कहा यार एक चीज है मैं इतनी की नौकरी कर लेता हूँ hmm. मैं इतना काम करता हूँ मेरी एक बेसिक सी जिंदगी है जिसमें से मैं इतना निकाल लेता हूँ कि मैं गाना कर दूँ ठीक है और बाकी मेरे साथ है ही तो uh, मैंने कहा अगर मेरा एक गाना ऑन एन एवरेज दो एक हफ्ते में दो हज़ार सुनते हैं दो हज़ार बार सुना जाता है व्यूज आता है उस पर मैंने कहा मैं हर हफ्ता गाना डालूंगा तो बड़ी बड़ी सिंपल सी मैथ्स थी मैंने मैं पूरे साल ये करूंगा मैं पूरे साल ये करूंगा और जो मैंने कहा पूरे साल अगर हर हफ्ते दो हजार बार सुना जा रहा है और मैंने वो ग्रोथ ही नहीं हो रही और वो दो ही हजार बार सुना जा रहा है मगर हर नया गाना दो हजार बार सुना जा रहा है तो इसका मतलब जब साल के एंड में मैं बैठूंगा तो पता नहीं दो दो हजार के हिसाब से मेरी मैथ्स वैसे थोड़ी कमजोर है बट मुझे इतना जरूर पता है कि अच्छे नंबर्स होंगे मेरे और साल में जब आपको लाख बार भी सुना जाएगा इन टोटल तो हाँ वो लोग होंगे डेली स्टेट के अंदर जो सच में जानते होंगे मेरे को एज एन आर्टिस्ट ठीक है तो था, मेरा था। बड़ा सिंपल सा था और दूसरा चीज़ ये था कि आ, मेरी मम्मी का हमेशा कहना था कि जिंदगी में आ, सिर्फ चाहने से कोई चीज़ नहीं मिलती पागलपन और जुनून बहुत जरूरी है उसके लिए तो वो एक चीज़ थी तो मैंने कहा यार ये यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इन दी एंड खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो खोने के लिए कुछ था नहीं मेरी दस जाहिर की नौकरी कौन छीन लेगा मुझसे मैं दूसरी कर लूंगा पॉइंट ये था तो मैंने कहा जब खोने के लिए कुछ नहीं तो फिर पाने के लिए बहुत कुछ है सो आई वज लाइक दिस के पाँच साल लगेंगे दस साल लगेंगे पंद्रह मैं बूढ़ा होते होते मर जाऊंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ मतलब मैंने मैंने वो कर लिया था कि पता नहीं होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता बस मुझे करना है क्योंकि मुझे पसंद है मतलब मैं उस पॉइंट पे, पे था हम दोनों के उस पॉइंट पर हम मतलब वहां तक भी सोचते थे कि भाई गार्ड की भी नौकरी करनी पड़ी अपन करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं ये करना है और जब तक हमारे तक करेंगे बूढ़े हो जाए चाहे इन द एंड ऑफ द डे मैं मैं बस ये था कि इतना एक्सप्रेशन जो मेरे अंदर है जो मैं वैसे नहीं निकालता तो मैं इन द एंड ऑफ द डे जब इस दुनिया से जाऊँगा तो मेरे पास शायद मेरे, मेरे को ये एक तसल्ली रहेगी मेरे खुद के लिए वो दुनिया वो उस पॉइंट पे टच हो गया था कि दुनिया के लिए भी ना हो एटलीस्ट मुझे हुआ कि मैंने इतने एक्सप्रेशन दिए इस दुनिया में जो वहाँ पर फ्लो करेंगे और ये अब हमेशा के लिए रहेंगे कोई ना कोई तो आएगा जो सुनेगा जिस जो, जो रिलेट कर जाएगा जिसको लगेगा कि यार ये तो मेरी कहानी है ऐसा कुछ है इंटरेस्टिंग यू कैन से मतलब इंसेन हो जाना ना उस चीज़ पर आप अब इतना हो के मतलब आपको उस चीज़ से फर्क they, so, मैं बताता हूं मतलब सही सही मौका है बताने का हासिल कभी होता नहीं आ, एक लड़का था खतरनाक हॉप कलेक्टिव दिल्ली का ही है उसमें से एक लड़का है जिसका नाम है संजय hmm. संजय ने कभी 2015 में 2000 सॉरी नॉट 15 16 में एक गाना आया था मेरा जो मैंने यूट्यूब से हटा दिया फॉर सम रीजन्स अच्छा वो गाना आज जो मेरे नाम है उसी पे ही है वो गाना अच्छा ठीक है उस गाने का नाम यही था किंग किंग ओके मैंने वो हटा दिया फॉर सम रीजन्स वो सुन के उस लड़के ने मेरे को कभी डिस करा था हुँ. तो उसका और उसका और मेरी एक म्यूचुअल दोस्त थी उस लड़की ने मेरे को बताया तेरे को ना डिस कराया एक लड़के ने मैंने ये क्या ये क्या चीज़ है <laughs> कैरी डिस हाँ मैंने ये क्या चीज़ होती है तो कैरी डिस होती है मतलब एक दूसरे की ना डिसरिस्पेक्ट करना ही करना मैंने कहा मगर क्यों करा कैरी ऐसी बस उसे लगा तुझे करना चाहिए मैंने कोई पॉइंट को, कोई मतलब कोई रिलेटिव या मैं मैंने को, मैं उसे जानता हूँ कि मैंने भूले बसरे कुछ कैरी नहीं मैंने कहा तू ये कैरी यार दिस इज हिपॉप मैं थोड़ा ना थोड़ा सा ऐसा हो गया मैंने कहा यार ये क्या ये क्या नई चीज़ सुनने को मिली कि आप किसी को जानते नहीं हो जस्ट बिकॉज आपको कुछ लगा आपने किसी को गाली बग दी <laughs> मैंने कहा अच्छा यार मैंने सुना वो गाना तो उसमें उसने बोल रखा था कि तू के लड़कियां तूने अपने गानों में ले रखी है तू मतलब समथिंग समथिंग तू क्या ही रियल कर रहा है मैंने कहा है, मेरे हिसाब से एक लड़का ज़िंदगी में लड़की अपने साथ रखना चाहता है कि लड़की एक लड़का रखना चाहती है और बाकी जिसकी जैसी ऊपर इच्छा हो मन से मैंने इसमें गलत क्या है मैंने कहा यार ये मेरे समझ नहीं आया बट देन मैंने उस चीज़ का भी तब भी भी कोई जवाब नहीं है जब मैं कुछ भी नहीं था मैंने तब भी उस चीज़ का कोई जवाब नहीं है मैंने कोई बात नहीं लिटिड भी टाइम के साथ होगा एक दो साल बीते मैंने गाने और बनाए एक दिन उससे मिलना हुआ उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो मेरी दोस्त जो थी उसकी दोस्त थी तो मैंने कहा चल मेरे को पता लगा तो मैंने कहा चल मिल लेते हैं घर जाकर मैं मिला उससे फिर उसके बहुत टाइम बाद फिर हम पर्सनली मिले अकेले मिले बैठे बातचीत हुई आ, तो उसने मेरे को बोला कह रहा भाई सॉरी यार मैंने मतलब तेरे बारे में लिखा हाँ मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए था क्योंकि पॉइंट टू ने आज तक कोई रिप्लाई भी नहीं करा उस चीज़ का मैंने कहा यार मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि मुद्दा था क्या कह रहा यार चल हो जाता है ये वो हम बैठे हमने मोमोज वोमोज़ खाए बढ़िया नहीं नगर में उसके बाद वो चला गया ठीक है बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर वो चला गया आ, दो तीन दिन बाद मेरे पास एक कॉल आता है ठीक है जिस बंदे ने मेरे को डिस करा था ठीक है दो तीन दिन, दिन बाद मेरे मेरे पास कॉल आता है एक लड़की का और तो तब तक मेरी जो दोस्त थी ना उसके और मेरी म्यूचुअल दोस्त थी हमारी बातचीत खत्म हो चुकी थी ओके। तो मैं मतलब फोन भी उठाना पसंद नहीं करता था उस लड़की का फोन आएगा फोन आया उस लड़की की आवाज बिल्कुल वैसी जैसी लड़की ने मेरे पास कॉल करा तो मुझे लग रहा वो मजे ले रही थी और मैं ऐसा था मैं फोन साइलेंट पर रख के सोता था ठीक है और वो वाइब्रेट होता था पता नहीं लगता उस दिन पता नहीं वो बजाए और मेरी अपने आप आग खुल है मैंने उठाया नहीं तो वो शायद उठाता भी नहीं मैं फोन मैंने कान पर लगाया किसी की किसी ने बोला है कि मैं फ़ला फला बोल रही हूँ और ऐसे ऐसे आपकी प्रोफाइल चाहिए मैंने कहा क्यों चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा वही लड़की होगी और मैं एकदम इरीटेट हो रहा बट मैं मैं कट करने ही वाला था उसने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा मैंने कहा नहीं ये वो नहीं पूछ सकती ये सच में कोई और है फिर मैंने ध्यान दिया उसने बोला आप प्रोफाइल भेजो आपकी आपका नाम किसी ने बताया हमें ऐसे मैंने किसने बताया करी संजय नाम है उसका जिसने आपका नाम दिया और उसने ये बोला है कि इस शो के लिए अगर आपको कोई फिट चाहिए तो ये एक बंदा है जिसको मैं जानता हूँ ये फिट है इस शो के लिए मतलब वाओ नाइस तो वो चीज़ हुई मेरे साथ फिर मैंने प्रोफाइल भेजी उसमें तब तक मेरा माहौल वगैरह आ चुके दिखाने बहुत पसंद आया फिर उन्होंने मेरे को भेजा तो ऑडिशन का जो भी प्रोसेस था कि अपनी एक वीडियो बनाओ टॉपिक्स दिए मेरे को जो भी भी कहीं सारे शायद कर रहे होंगे जितने भी ऑडिशन दे रहे होंगे तो वो सब दिए मैंने वो सब क्लियर 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 अच्छा इस दौरान मैंने सिर्फ माइकी को बता रही थी मेरे घर में भी नहीं पता थी ये बात कि तुम असल में ट्राई कर रहे हो हाँ कि मतलब ऐसी और मैं ऐसा इंसान हूँ भाई जो बिल्कुल रियलिटी शोज नहीं देखता है आई हेट रियलिटी शोज मतलब मैंने फ़ोन पे ये बात बोल दी थी हाँ। मैंने यहाँ पर कुछ भी फिशी हुआ ना मैंने कहा एक तो पहली बात तो मैं अपने पेरेंट्स को मैंने कहा मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ कि तुम कि मेरे मम्मी को शो पे बुला लिया पापा को बुला लिया यार वो पेरेंट्स है वो तो एनी डे इमोशनल होंगी तुमने कैमरा क्लोज कर दिया किंग के मम्मी पापा रो रहे हैं फिर मेरे पे फिर वो मैंने और पीछे साउंड चल रहा है मैंने यार, यार ये नहीं चाहिए मैंने मैं पहली चीज तो इंटरेस्टेड इतना हूं भी नहीं और मैंने अगर ऐसा। उसने बोला ये स्क्रिप्टेड नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है आप ट्राई करो <coughs> मेरे को भी चलो यार मैंने कहा करते हैं फिर हमने दिया हुआ वो सारी चीजें हुई क्लियर 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 फिर हमारा डेली ऑडिशन था अब डेली ऑडिशन में ये थ्रू आउट ना मैं बता रहा हूँ जो थ्रू आउट मेरी स्टडी भी है मेरी स्टडी भी अबाउट आर्टिस्ट बंच ऑफ आर्टिस्ट लाइक वट दे आर डूइंग मुझे क्या करना है मैं जैसे ही एंटर करता हूँ दिल्ली ऑडिशन था मेरा लाजपत में कोई होटल था उसके नीचे बेसमेंट में मैं और माइक्यूज गए अच्छा हमने क्या पहना होता फ्लोरल शर्ट्स बिल्कुल बिल्कुल हवाइन बॉयज बन के गए हुए हैं हम ठीक है भाई हम घुसे हैं हम दोनों घुसे हैं और कम से कम देवर लाइक फिफ्टी रैपर्स हुरिंग ब्लैक एंड दे और नॉट टॉकिंग टू इच अदर एट ऑल सब अपनी चाड़ में मैंने कहा यार ये कौन सी जगह है ये क्या है तो भाई ने बोला भाई ये ये अंडरग्राउंड है मैं तो ये बात ही नहीं करते आपस में <laughs> <laughs> मैंने कहा सब ब्लैक पैन के बेटे, जो भी बंदा आ रहा था ना आ रहा चुपचाप बैठ जा रहा अपना यूं कान में लीड लगाई नंबर आ रहा उठ के चला जा रहा मैं कहा यार ये इतना कूल तो नहीं हो ना जिंदगी में अब भाई हमने कुर्सी ऐसे ऐसे लगा ली आपस में चार बंदे और जोड़ लिए हमने महफिल बना दी हम हंसी खेल कर रहे हैं वहां पर और सबसे बड़ा सबसे बड़ा फनी पार्टी है किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा था सब जा रहे थे वापिस आ रहे थे जा रहे थे और वो बाहर आके पता क्या बोल रहे थे वो बाहर आके ये बोल रहे थे कि यार अंदर कौन बैठा रहा दे आर नॉट इवन लुकिंग रैपर्स मैं कह यार किसी के दिखने से कैसे जज कर सकते हो मैंने इसको देखा मैंने इसने मेरे को देखा हमने एक दूसरे को देखा मैं कह यार मैं चौदह तारीख को नहीं आने वाला पर बिल्कुल भी ठीक है तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि यार मैंने कहा इतना बड़ा अगर कोई शो बना रहा है बेवकूफ तो बैठे नहीं होंगे अच्छा, तो वाला दरवाजा जहां पर क्या होता है ये स्टडी स्टडी का हिस्सा है लाइफ का okay. सो क्या होता है वो ऐसे बैठे हुआ एक बंदा कुर्सी पे यू मुंह नीचे करके इधर जजेस बैठे हुए हैं तीन चार वो नीचे बैठा है और नूं कर रहा है और वो यू देख रहे हैं उसे इतनी देर में बाहर आ जा रहा है मैंने एक चीज़ एक चीज़ दिमाग में डाल ली कि जितनी भी बंदे कंप्लेंट कर रहे हैं ना कि वो रैपर नहीं है उनको कुछ नहीं है नॉलेज समझ नहीं है उनको वहां अंदर अंदर म्यूजिक तक नहीं चला रखा ये नहीं कर रखा हमें बस सुन रहे हैं बोल रहे हैं गाना सुनाओ सुन रहे हैं और फिर उसका हमें भेज दे रहे हैं ये क्या होता है ये है वो मैंने कहा पहली चीज़ तो बॉडी लैंग्वेज ये नहीं रहनी चाहिए आर्टिस्ट मैंने कहा ये खुद में क्यों खो जाऊँ मैं मैं आए यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ जब बन जाऊंगा तब खो जाऊँगा खुद में अभी तो कुछ भी नहीं है तो मैंने ये बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए पहली चीज़ तो और दूसरी चीज़ मैंने कहा बैठ के तो बिल्कुल नहीं करने वाला मैं और मैं भाई फ्री माइंड था मैंने कहा लात मार के भी निकाल दे क्या फ़र्क पड़ रहा है मैं तो आया ही मजे लेने हूँ वो वाली पॉइंट थी मैंने कहा मेरे पास जो है मैं वो सुनाऊंगा हाँ। तो ये चीज़ थी अब मैं उनकी सुन रहा कम्प्लेट क्या है और मैं उसको नोटिस कर रहा कि मुझे क्या नहीं करना फिर उस हिसाब से अच्छा छप्पनवा मेरा नंबर था तीस लोगों का हो चुका था और वही लिमिट थी उनकी उन दिन एक भी बंदे का नहीं हुआ था सिलेक्शन आठ थर्टीन ओवन डेली के अंदर Okay. एक भी बंदे का नहीं हुआ था ऐश्वर्या ने मेरे को देखा आ, बोला यू किंग मैंने यस कहती आप आप वीडियो में छोटे लगते हो <laughs> आप काफी लंबे हो जी मेरा भी ये रिएक्शन था, था। <laughs> 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 तो मैंने कहा हाँ जी तो कहती अच्छा कहती आप आप जाओ hmm. मैंने कहा बट फिफ्टी सिक्स है कह रही कोई बात नहीं आप जाओ सो बेसिकली ऐश्वर्या का भी था रिक्रूटमेंट जो होती है ना मैंने hmm. आर्टिस्टों की तो शी वॉज ऑल्सो वेरी सैड अच्छा इस दौरान बीच में एक चीज हुई कि उनमें से एक शख्स निकल कर आया उन जजेज में से रूम में हमारे हमारे होटल में उसने आके ना दो तीन पॉइंटर्स बोले जिन बारे में शायद मैं और माई की हम लोग बात करा करते थे कि यार ये चीज़ क्यों नहीं करते आर्टिस्ट जो बंदा सिलेक्ट करने बैठा है ना उसने भी यही चीज़ बोली आकर जो पॉइंटर्स बोले और मुझे कॉन्फिडेंस आया कि इसका मतलब मैं आई वॉज नॉट रॉन्ग मैं जो सोचता था, था वो गलत, गलत नहीं है ये ये गलत ये दिक्कतें हैं इसके अंदर वो आते ही पता है उन्होंने क्या बोला आते ही सेट कहते हैं यार आप सबको क्या दिक्कत है आप सबके गाने वो आगे कहते हैं उनका नाम था विक्रांत okay. जिन्होंने हसल बनाया बेसिकली सो so, वो आके कहते तब तक मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता था तो उन्होंने बोला यार दिक्कत क्या है कह रहे आपके सारे गाने या तो आप किसी से लड़ रहे हो उस गाने में और मुझे नहीं पता आप किससे लड़ रहे हो या तो आप ये बता रहे हो कि आप कितने गरीब हो हुँ. और जो मुझे जानना नहीं है हुँ. वो कह रहे यार आप इतने अच्छे आप रैपर्ड हो सब कुछ कह रहे मगर वो चीजें कहाँ हैं जो आप मतलब जो देनी चाहिए कह रहे मैं मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ

तब सिर्फ स्टाफ बचा था उनका थोड़ा सा जो बाहर था होटल का स्टाफ था थोड़ा सा और थोड़े से रैपर्स बचे थे मैं अंदर घुसा घुसाऊँ मैं खड़ा हो गया हूँ और मैंने अंदर जाते ही अच्छा ये लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बाकी रैपर्स के अंदर आपका अंदर म्यूजिक सिस्टम होगा ये सारी चीज़ें तो वो इसलिए लेके नहीं गए थे ठीक है मैं हमेशा अपने साथ एक साउंड बार रखता था छोटा सा ओके मैंने उसी टाइम मैंने अपनी जेब में डाला साउंड बार मैं अंदर घुस गया साउंड बार लेकर मैंने जाते ही जाते अपना साउंड बार निकाला है हेलो हाय बोलते हुए अपना साउंड बार वहीं रख दिया oh. उन्होंने देखा और मैंने सीधा उनसे पूछा मैं हँसा मैंने कहा क्या सुनना चाहोगे आप लोग तो उनमें से एक जो फीमेल जैस वो व्यक्ति कहती दिस इज़ इंटरेस्टिंग क्योंकि चलो किसी ने हमसे तो पूछा हम क्या सुनना चाहते हैं कह रही क्या सुनाना चाहोगे मैंने जो भी आप जैसा भी आप करो कह रही चलो सुनाओ मेरे को तीन तीन डिफरेंट ट्रैक सुना दो hmm. भाई मैंने सुनाए तीन डिफरेंट ट्रैक और खड़े होकर सुनाए मैंने ठीक है और अपना म्यूजिक वहां इंस्ट्रूमेंटल चला के चला सुना के okay. अब ये म्यूजिक का साउंड सुन के ये चीज़ सुन के ना अंदर आने दरवाजे पे लोग आने इकट्ठे हुए शीशे से यूँ देखने के, के चल गया रहा है अंदर चल गया रहा। ये बाहर था तो, अंदर क्या चल रहा है भाई चल रहा है बातचीत हो रही है तो उनमें से एक मेरे से पूछता जब ये हो गया मेरा सब कुछ तो उन्होंने लिखा है कि फॉर्म में आपने लिख रखा है वेस्ट बेस्ट विक्रांत ने मेरे से पूछा विक्रांत भैया ने कि कानिया वेस्ट लिखा है मेघन जी फिर आपको पसंद है मैंने बहुत पसंद है उन्होंने एक ट्रैक बताया मेरे को कह रहे आपको पता है वो ट्रैक नाइन्टी परसेंट सैम्पल्ड है वोकल से मैंने कहा भाई ये बंदा रिस्पेक्ट ले गया मैंने ये ये जो जज कर रहे हैं ना बाहर बैठ के ने कुछ ही नहीं पता ये बंदा किसी रीजन से है यहाँ पर hmm. उस रूम के अंदर मतलब वो एक चीज थी कि जिस इंसान के आगे मैं सुन सकता हूँ जिस इंसान की कि कुछ बोल रहा है क्योंकि उसने ऐसा ऐसी डिटेल्ड बताई ना कि वो कह रहे हैं मुझे भी कहा पसंद है मगर उसका रीज़न ये है मैंने कहा अच्छा उन्होंने बोला अच्छा आपका अगर फोन आ, अगर अगर दो महीने के लिए आपका फोन ले लिया जाए तो यू कैन से आई वॉज कॉकी एट दैट टाइम तो मैंने अभी ले लो कह रहे अच्छा कह रहे और मैंने कहा बस दो तीन दिन में घर वालों से बात करा देना hmm. तो कहते हैं अगर वो भी ना हो तो तो मैंने कहा कबूतर के पैर में चिट्टी बांध के भेज देना hmm. <laughs> तो हंसने लगे अब भैया दिल्ली वाले लड़के से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम <laughs> तो वो हंसने लगे उन्होंने बोला ठीक है मैं बाहर निकला हूँ सबकी शक्लें थी मेरी तरफ के काम डाल दिया लड़के हाँ। ने आज की डेट में ये पागल हो रखा था लग उनका स्थ। होटल स्टाफ आके कहने लगा कि सर तो मेरे को ना वो मतलब वो स्पेक्ट्रम दिख रहा था कि पीपल आर हैप्पी yeah. कुछ कलरफुल हुआ है You could sense it. Like, हाँ, exactly. आज, आज अब वो दौरान उसी पांच छह घंटे के दौरान जो चीजें मैंने सेंस करी उन चालीस पचास रैपर्स में आर्टिस्ट में जितने भी आ रखे थे और मैंने उसके उसी टाइम मैंने क्या चीजें चेंज करी नहीं तो शायद मैं भी वही करता तो वो इंस्टेंट वो सारी चीज़ वो मेरी स्टडी में ऐड हो गया तो मैंने वो चीज़ लाइफ में अप्लाई कर दी इन चीज़ों को लेकर फिर देन वहाँ से फिर मेरा बॉम्बे ऑडिशन हुआ मैं बॉम्बे ऑडिशन करके आ गया हूँ तब मेरे घर वालों को तब भी नहीं पता है मतलब मम्मी पापा को मैंने बताया भैया को फिर भी नहीं पता है मैं जिस दिन टीवी पे पर आऊँ ना अब लगा लो जिस बंदे का फुटबॉल बैकग्राउंड स्पोर्ट्स बैकग्राउंड और नौकरी करता है बंदा अपनी एक वो एकदम से सडनली आपको टीवी पे दिख जाता है और वो पहला आर्टिस्ट बनता है जो डायरेक्ट टॉप फिफ्टीन में हासिल हिस्ट्री में पहला टॉप फिफ्टीन में सीधा जाता है अब वो सबके लिए ना ऐसी चीज थी कि मेरे को तो ये तक बोल दे मेरे दोस्तों ने कि भाई यकीन नहीं हो रहा ये तू है मैं मान ही नहीं सकता क्योंकि तूने तो कभी ये चीजें करी, करी नहीं, नहीं, हाँ, नहीं क्योंकि स्कूल वाले जानते थे बाकी वाले नहीं जानते थे अब मैंने भाई अब होने दो मैंने अब ये वो वाला पॉइंट जब मैं ऊपर वाले से बोलता था ना या तो जीरो और या तो सब कुछ चाहिए मैंने ऊपर वाला दे रहा इशारा कि ले तेरे को दे रहा मौका क्योंकि तू पागल तुझे जुनून तो मैंने भाई अब लग जाऊंगा अब दुनिया क्या कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता फिर शो स्टार्ट हुआ पूरी वो शो ना एक तरीके से ट्रेनिंग थी कि कैसे अपनी आर्ट प्रेजेंट करनी है मेरा एक पॉइंट था कि वहां पर बहुत सारे लोग का था कि जीतना है वो चीज़ें करनी है मेरा पॉइंट ये था कि यार मैं कितना समझ सकता हूँ क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है मेरा कोई रैप क्रू नहीं है मेरा मेरे लोग नहीं है मेरे मतलब मेरे पास इतना कोई वो नहीं है कि मेरे पास वो माहौल हो मेरे पास वो माहौल भी नहीं था

मैंने वो इतना पॉइंट पे होना चाहिए कि लोगों लोगों को सिर्फ लोग मेरे को देख सकें उनको नीचे सब टाइटल पर ना देखना पड़े सो दैट दे कुड दे कुड सी द होल कैरेक्टर अ गाय परफॉर्मिंग हाउ ही परफॉर्म्स यू नो हाउ ही टॉक्स समथिंग ये सारी चीज़ें तो so, ऐसे वॉट वर यू डूइंग बिकॉज रैप में यूजली सब टाइटल्स पढ़ने की कोशिश लगती है लाइक like, क्योंकि, क्योंकि मेरे को से, 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 अब वो ये ना फीडबैक मेरे को पता क्या लगा मेरे को ऑल ओवर द प्लेसेस मेरे को लोगों के फीडबैक ये आने लगे कि uh, हम लिटरली हिप हॉप को नहीं जानते थे आपका देखा एकदम ही आपका शो आया है हमने देखा है और आपकी परफॉर्मेंस देखी और हमको लिट सब टाइटल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी हमें पूरा गाना समझ में हमने रिलेट करा उस गाने से या। वो सारी चीज़ें ना मुझे फीडबैक के तौर पर मिल की मैंने एक चीज़ जान ली कि मैंने कहा यार शो शो का ना एक पैरामिड स्ट्रक्चर होता है किसी एक को तो जीतना पड़ेगा या। तो मैंने कहा यार मैं तो नहीं रखता ही उम्मीद कि मैं जीतूंगा ठीक है तो मैंने कहा अब जब मैं उम्मीद नहीं रख रहा जीतूंगा तो मैं क्या करूंगा मैंने कहा मैं परफॉर्म करूंगा सर अपने गाने मैंने कहा मैं मैं जो जो भी लोग है, यहां से ना तो मैं अब जीतने अब पॉइंट हो गया था कि जीतने के लिए नहीं चल रही थी कहानी अपनी अपनी चल रही थी कहानी करना है मुझे था फिर चाहे आज निकाल दो मगर मैं गाना दे के जाऊंगा एक और किस्मत थी हर गाना में दे रहा था हर गाना बूम हो रहा था hmm. हर गाने के साथ और जनता ऐड हो रही थी और लोग ऐड हो रहे थे और फ्लेवर तो जैसे कि मैंने फ्लोरल शर्ट पहन रखी थी ना वही कलर वही कलर मैंने अपने आर्ट में रखा थ्रू yeah. आउट द शो वही चीज़ मैंने वहां जो सीखी वही चीज़ मैंने शो पर डाली अपने कि भाई इंडिया बहुत डाइवर्स है हर तरह का इंसान है हर मूड का इंसान है इमोशन भी डाइवर्स होंगे बहुत तो मेक श्योर कि तुम्हें सब ना आते हो बट कम से कम सेवेंटी इमोशन तो आते हो देने नेशनल टैलेंट इन थॉट नाउ सो माई ड्रीम इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन टू मी ऑल्सो लाइक मतलब यार इतनी सारी चीज़ें ना मतलब अब मैं ये नहीं बोलने वाला है बैठ के पॉडकास्ट में कि मेरे को ग्रामी ले कर आना है ये करना है वो करना है बट मैंने ना यार एक बड़ी बेसिक सी चीज़ जानी रनिंग आफ्टर अवार्ड्स और टाइटल इज अ टोटली डिफरेंट थिंग बट रनिंग आफ्टर लाइक द पीपल हु लव्ज यू एंड जो लंबे समय तक मेरे से रिलेट कर सके बुढ़ापे में बता सके कि हम इसको सुना करते थे मुझे ऐसा लगता है कई hmm. लोग बोलते हैं बड़े गाने होने से क्या हो जाता है नंबर जाने गाने अच्छे होने चाहिए अब अच्छे हैं तभी तो, तो, तो बड़े हैं ये कौन सा लॉजिक है <laughs> कई बातें तो मेरे समझ ही नहीं आती भाई लोग हाँ लोग बोलते ना कि ये मासी गाना है मासी है आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? कितने लोग उस चीज को सुन रहे हैं अब लोग बोलते हैं ऐसे तो लोग कलाएं भी चिट्टिया तो गलत क्या है उसमें hmm. गलत क्या है है उसमें पसंद पूरी नहीं। दुनिया एक ही जॉनर नहीं सुनती दे लिसन टू डिफरेंट थिंग्स इफ योर ट्रैक इन योर पर्टिकुलर जॉनर कैन नॉट मेक दिस मच बिग ट्रैक सो ये चिट्टिया कलाएं की गलती नहीं है उन्होंने कर दिया yeah. उसमें किसी की गलती नहीं है इट जस्ट हैपेंड हो गया अब आप बोलो नहीं यार वहाँ टीम भी थी उनके पास ये भी था पैसे से क्या नहीं होता अब hmm. पैसे से नंबर ही तो बढ़ा लोगे इंसान की पसंद थोड़ी खरीद लोगे nice. इसलिए मेरा कोट है खाना और गाना आप किसी पे थोप नहीं सकते भाई मैं आपको ना अच्छा कोई खाना है ना आपको सजेस्ट कर सकता हूँ hmm. कि भाई ये खाना ट्राई करो आपको पसंद नहीं आना आप दोबारा नहीं खाने वाले वो चीज़ आप उस टाइम इज्जत भी कर लोगे मगर आप दोबारा नहीं खाने वाले वो चीज़ सेम गानों के साथ है मैं हज़ार गाने सुना दूँ मगर जो आपको पसंद आएगा और जो आपके पर्सनल है वो आप अलग ही या तो खाना और गाना आप किसी पे थोप नहीं सकते मेरा सिंपल सा लॉजिक है और जब मैं देखता हूँ ना लोगों को थोपते हुए चीज़ें कि वो दूसरे को ब्रैक कर रहे हैं ये बताने के लिए कि मेरी चीज़ देखो ये चीज़ सही नहीं है मैं चीज़ ज़्यादा अच्छी कर रहा हूँ लोग देख लेंगे जब मुझ जैसे बंदे की देख सकते हैं जिसके दो व्यूज़ भी नहीं आते थे तो यार आपकी क्यों नहीं देखेंगे कहाँ दिक्कत जा रही है दिक्कत जा रही है सिर्फ पेशेंस में भाई ये खेल है सबर का और कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है ना वीज शॉर्टकट्स रीजन दैट्स अटकट बिकॉज आई वॉन्ट इंस्टेंट हाइप इंस्टेंट अटेंशन ताकि मैं अपनी चीज डालू लोग मेरे पास आके बट देन वट्स द पॉइंट ट्रू आपकी जर्नी तो आपको करनी है ना अगले दस साल आपको देने पड़ेंगे गाने मैं कह रहा हूँ आपको मैं अगले एक महीने की हाइप दे दूंगा या आप मुझे एक महीने की हाइप दे दोगे देन वॉट एक महीने तो थोड़ी आपकी आर्टिस्ट रही और आप वही चीज़ बार बार आप मेरे को बार बार थोड़ी वही चीज़ करोगे yeah. लोग बोलेंगे यार तो यूज़ टू तो तो हो गए मैम है, हाँ। है ना तो और भाई हम रोज नए साउंड सुनते हैं हम यंगस्टर्स जो इंडिया के हैं ना जो हमारी जो यंग जो जनरेशन है हम इत, हम हमारे सो हैजमिनी कुछ इस हिसाब से ना वेस्टर्न उसकी और बहुत मिक्स्ड हो गई है अब हमने अपने फेवरेट्स खुद चुन लिए हैं और हम चेंज भी करते हैं उस हिसाब से yeah. आप नहीं थोप सकते किसी पर hmm. वो अगले महीने आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर लेंगे एंड देन दूसरी चीज़ नो मैटर वॉट हाउ मेनी डिफरेंट यू गिव हाउ मेनी डिफरेंट ट्रैक्स यू गिव बट द पॉइंट इज अगर वो आपको पसंद करते हैं वो आपके साथ टिके तब तक रहेंगे जब तक आप तरक्की दिखाओगे या पॉलिटिकल पार्टी को लोग वोट इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने तरक्की दिखाई होती है किसी भी बड़े कलाकार को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसने तरक्की दिखाई होती है वो वहीं वहीं नहीं है कुएं का मेंढक नहीं है मैं कुएं के अंदर से आवाज़ नहीं लगा सकता बाहर बैठे सब बेवकूफ़ हैं मेरे को खुद भी कुएं से बाहर निकल के आना पड़ेगा अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ ऊपर से लोग देखेंगे हाँ यार कोशिश कर रहा है इसे पसंद करते हैं हम मतलब आई होप आई होप समझे लोग इसे कि चल यार कोशिश कर रहा है निकलने की कुएं से बाहर बट वो देखेंगे सिर्फ मैं हाथ मार रहा हूँ मैं इसे बख रहा हूँ मैं इसे बोल रहा हूँ इसे बोल रहा हूँ मैं हाथ मार रहा हूँ मैं मगर ऊपर नहीं आ पा रहा तो दिक्कत मुझ में है मुझे समझना चाहिए बाहर वाले बेवकूफ़ नहीं है वो तो उठ के चले जाएंगे चलो यार कोई नहीं कोई और कुआ देखते हैं या छोड़ो आज कुएँ नहीं देखते yeah. आप नहीं थोप सकते मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ बैठा चुका हूँ दिल दिमाग में कि मैं किसी पे कुछ नहीं थोप सकता मैं बस मैंने बस ये निकाला कि यार मैं रिलेटेबल चीजें रखूंगा मैं मैं ऐसी चीज नहीं बोलूंगा कि जो बंदा बोले यार ये मेरी लाइफ नहीं है या तो वो चीज़ ऐसी लिखी होनी चाहिए कि बंदा बोले ये लाइफ मेरी होगी मोमेंट है उसमें से एक है

व वर्क नॉट वर्कड यू नो अबाउट राइट तो अब कोई ऐसा पैटर्न रिकोगनाइज किया है कि यार ये चलता है तो अब मैं ऐसा करूंगा आई एम श्योर क्योंकि बिकॉज एज यू ग्रो आर्टिस्ट गेट स्मार्ट एंड मॉर्दर्न स्मार्ट आई थी आर्टिस्ट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दस एंड हमसे वट माई पॉइंट इज मैं हमेशा ही चीज बोलता सी ब्रो पर्सन जो शायद इंटरव्यूज और पॉडकास्ट देना पसंद नहीं करता मैं मतलब मैं अपनी मैं अपनी ऐसी भी स्टोरियाँ नहीं डालता मैं चीज़ों की स्टोरियां डालता हूं डालता हूँ तो क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मैं हसल में भी हाँ था भाई मैंने कोई मिर्च मसाला नहीं दिया मैंने कभी नहीं बताया मेरी बंदी छोड़ के भग गई मेरा ये हो गया मेरा वो मैंने कभी ऐसी कोई चीजें नहीं बोली कि मैं इतने गरीब घर से आता हूँ मैंने इनफैक्ट वहाँ पर एक उसूल ट्रैक गाया जिसका पॉइंट यही था कि गानों में रियलिटी शोज में मॉम डैड पे गाने गाए जाते हैं जिसमें मॉम डैड को बहुत लाचार दिखाया जा रहा है जस्ट बिकॉज दे लव यू ब्लाइंडली वो तो बोलेंगे मेरा बेटा कितना अच्छा बट डीप इन उस बाप को उस माँ को बुरा लगेगा यार शायद मैं अपने बच्चे के लिए वो कर नहीं पाया मेरा बच्चा ये गा रहा है oh. मेरा भाई मैं वहां सोचता हूँ डीप इसलिए मैंने वो उसूल गाया जिसमें भाई वो गाना सुनोगे वो गाना है इस बारे में कि एक बाप इज हैविंग अ कन्वर्जेशन विद सन एंड सेइंग कि जो मैंने तेरे को सिखाया ना जिंदगी में जो मॉर वो जा और दुनिया को सिखा यूज योर आर्ट दैट वे about दिस मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं वॉट एवर सींग सो डीप एग्जैक्टली मतलब मैं वो चीज सोचता हूं कि तो उसमें एक <laughs> लाइन है कि कलाकार बेटा बनते नहीं लकीरों से कला पे हाथ रख तो खुद ही बनता जाएगा सो so एक बाप अपने बेटे से कह रहा है बेटा कली लकीरों पे नहीं लिखा होता बड़ा बनना जिंदगी mm. में इस पर हाथ रख दे अगर ये कलायनेस के ऊपर अपना हाथ रख दे वो बन के ये कला नाचे तेरे नीचे तेरा नाम अपने आप हो जाएगा तू किंग नाम से कहलाएगा तेरे को जरूरत भी नहीं पड़ेगी बताने के लिए लोगों को मैंने वो सीखा है लिटरली अपने घर के अंदर मैंने वो चीज़ें ली हैं मैं वो वो चीज़ें नॉट एज एजुकेशन बट मैं मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे सुने वो चीज़ को समझे कि जिंदगी के बेसिक्स क्या हैं कूल लुकिंग कूल इज समथिंग डिफरेंट यू नो स्टिकिंग टू योर रूट इज़ समथिंग डिफरेंट वेरी डिफरेंट और वो हमेशा होना चाहिए सो यू हैव टू भी स्मार्ट और सबसे बड़ी बात भाई जब आप खुद लेके चलते हो ना चीज़ें जब आप आ, पूरा घर खुद से बनाते हो ना तो आपको पता होता है कौन सीट कहाँ लगी है कौन सी टूटी है कौन सी बनी है आपको पता होता ये लोगों को नहीं पता होता जिन्हों के घर लोगों ने बना के दे दिए या जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया तो आदो के घर बने ही नहीं आदओ के घर बन गए उन्हें पता ही नहीं है तो मुझे हर उस चीज़ की कदर है भाई जो खुद से कमाई है लिटरली स्टार्टेड फ्रॉम जीरो स्क्रैच फकिंग स्क्रैच तो मेरे लिए हर एक चीज जशन है भाई अब मैं तुम्हें मेरे जशन से दिक्कत है फक ऑफ yeah. मुझे है मेरे लोगों को है उन्होंने मेरी स्टोरी वो जानते हैं मेरी चीजें और इस बात का कोई घमंड नहीं है है भाई भाई इस इस बात का फक्र मुझे चीज को course, होना भी चाहिए लाइक टू होल्ड इट बैक तभी तो वो लम्बगी सच में कैसे लेनी है मेरे को पता होगा और इस बीच में ना पता क्या होता है भाई कई बार ना आपकी चाहत के बीच में ना सवाल ये भी आते हैं कि क्या मुझे सच में चाहिए नहीं चाहिए है ना

दोनों ही लाइफ टाइम नहीं चलते okay. दोनों ही लाइफ टाइम नहीं है अब आप एज अ स्पोर्ट्स पर्सन जैसे हम अभी भी कहीं स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हैं वो रिटायर हो चुके हैं बट स्टिल मनी पैसिव मनी चल रहा है hmm. आर्टिस्ट्री में आप बहुत कम ऐसे आर्टिस्टों को देखोगे जिनका पैसिव मनी है ठीक है और अभी जो यंग जो सीन है ना उसमें दे आर नॉट गिविंग फक अबाउट इट दे आर जस्ट गेटिंग द मनी दे आर जस्ट गेटिंग द दीच एंड दे आर जस्ट स्पेंडिंग इट

भाई बिना वजह के तो घर वाले पैसे नहीं देते क्यों देगा <laughs> तो उनको भी एक्जेक्टली exactly, और वो तो बिजनेस है भाई भाई अब लोग कहते के लोग कहते हैं कई के भाई कोई किसी का सगा नहीं होता नहीं। यार आप आप रिश्ते बनाने आए काम करने थोड़ा वो इंसान हूं जो एक पहलू को सोचता है दूसरा भी सोचता है वो चीज है

अब पहले तो ये बताओ कि एक आर्टिस्ट कितने तरीकों से पैसे कमाता है एक म्यूजिक आर्टिस्ट। टुडे यू आर हियर। व्हाट आर द वे मेक मनी बेसिकली मैं बताता हूँ जो, जो टेबल के ऊपर ऊपर की चीजें शोज ओके योर यूट्यूब हम योर रॉयल्टीज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से आती है एंड योर सम ऑफ योर पब्लिक ब्रांड डील्स एंड सम सम यू नो ब्रांड डील्स के अंदर अच्छा ब्रांड डील्स के अंदर कई बार सिर्फ गानों वाली नहीं आती hmm. कई बार सिर्फ क्लोदिंग वाली आती है वो भी उसमें भी बहुत सारे hmm. वेज है अब डिपेंड करता है आप कौन सी डील करते हैं चश्मा पहनने के हाँ, कई गानों वाली आती है उसका हाँ. वो अलग होता है ठीक है तो ये सारे तरीके होते हैं चीज़ों के सो मैंने जब हसल करा तो मेरा मेरा चैनल कभी मोनेटाइजेशन के लिए ऑन ही नहीं था मुझे मैं क्योंकि सोचता था क्या ही बन जाएगा इससे हाँ। क्या ही हो जाएगा इससे मैंने जब हसल करा तो मेरी नौकरी जा चुकी थी ओके okay. मेरे मेरे अकाउंट में लिटरली इक्कीस सौ रुपये पड़े हुए थे मैं और मेरा दोस्त तो हम सर पकड़ के बैठे हुए थे वो जिंदगी में पहली बार हम बैठा हुआ था कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं नौकरी भी नहीं कर सकता अब क्या करूँगा देन <coughs> फिर मैं रफ्तार भैया से मिला शो के बाद बैठे और उन्होंने भरोसा दिया उन्होंने बोला तू दो महीने रुक जा तू देख लो तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की दो हफ्तों के अंदर चीज़ ऐसी हुई कि मेरे को शो की इंक्वायरीज आई मैंने शो करा मेरे को तब YouTube की फिर हमने ऑन करा

कई बार आप ना बहुत चीज़ समझते हो कई चीज़ें गवा के मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं ब्रोक हो गया बट हाँ मैंने पैसा उड़ाया भी है आज मैं समझ सकता हूँ मुझे एग्जैक्टली exactly पता है कि मेरे खर्चे क्या हैं मुझे क्या करना है और मेरे को कहाँ कहा पैसा डालना है और कहाँ नहीं डालना ओके ये चीज़ें मैं टाइम के साथ सीखा ये अब बिजनेस है ये म्यूजिक बिजनेस आ जाता है यहाँ पर मैंने आ, मैंने मैंने और मेरे दोस्त ने एक लाइन खींच दी थी मैंने कहा देख पेटी से नीचे का शो नहीं करना मैंने सूखी रोटी खा लूंगा मगर नहीं करना क्योंकि ना यार आपको ये भी पता होना चाहिए उन वैल्यू है, आप, है क्या yeah. और किससे आप नीचे नहीं जाओगे के बहुत चीप रेट्स में भी शो कर उन्होंने कहा था कि मिल रहे यही टाइम है ले लो यहां वही थॉट आता मैंने बोला ना कि कई आर्टिस्ट वन शॉर्ट इनकम में बिलीव hmm. करता है मैं पैसे इनकम में बिलीव करता हूँ मैंने कहा अगर मैं ये सेट कर दूंगा ना तो मैंने प्राइस सेट हो जाएगा बेशक महीने की महीने के एक क्वेरी भी अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं एक लाख रुपए में आराम से चला सकता हूँ अपना महीना और बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ मैं और गाने बना सकता मेक मोर ऑन है तो मैंने उस चीज को ऐसे लिया तो अभी आज एज एन आर्टिस्ट यू टॉक्ट अबाउट कि चार पांच जगह से पैसे कमाते हैं हाँ. सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से आते हैं इंडिया में आर्टिस्ट को शोज से uh, स्ट्रीमिंग से से कि शोज एंड योर रॉयल्टीज ओके रॉयल्टी इंडिया में सीन बड़ा है नहीं अब यार मेरे मेरे को मेरे लिए तो बढ़ गया <laughs> मुझे नहीं पता बढ़ा है कि नहीं बढ़ा या डिफरेंट डिफरेंट डील्स भी होती हैं ओके कई बार ऐसा होता है कि रॉयल्टी इज यू साइन विद द म्यूजिक लेवल क्या होता है रॉयल्टी मैं बताता हूँ सो so, मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मेरी रॉयल्टी मैं अपने गाने डालता हूँ मेरे डिस्ट्रीब्यूशन है hmm. वो मेरे को रॉयल्टी कलेक्ट करके देता है ओके okay. वो होल एंड सोन मेरे ट्रैक्स हैं अगर मैं किसी लेवल के पास जाता हूँ hmm. तो वहाँ पर भी डील्स होती हैं जैसे कि कई बार क्या होता है आर्टिस्ट कहाँ पर

यू थाट कि मैं इंडिपेंडेंट ही रहूँगा लेबल के साथ नहीं कोई रीज़न है उसके बीच नहीं ऐसा बस... कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब okay. मैं तो आई एम द मोस्ट फ्रेंडली आर्टिस्ट इन द मार्केट मेरा तो ऐसा है भाई हाथ आगे बढ़ा रहे हो मैं तो हाथ मिलाऊंगा आई हैव गुड आइडियाज लेट्स डू एट टूगेदर लाइक आम डूइंग दिस प्रोजेक्ट विद वॉनर म्यूजिक नाउ इट्स लाइक गोइंग ग्रेट ऑलरेडी मतलब सारी चीजें हम साथ में आई आम स्ल इंडिपेंडेंट यू हैव टू बी स्मार्ट टू क्रैक अ वे जिसमें दोनों का नुकसान ना हो और दोनों का फायदा हो ना ओके सो यू सेड कि इंडियन मार्केट को समझ के गाना बना रहे तो इंडियन मार्केट के बारे में कि यार ये चीज चलती है ये चीज बुरी लगती है क्या होता है ऐसा एक दो चीज़ दे देखो बुरा तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यू नेवर नो किसको कितने लोग सुनता है मतलब किसको कौन सुनता है पॉइंट ये किसको कितने लोग सुनते हैं ठीक है मार्केट अब जब मैं मार्केट की बात करता हूँ आई टॉक अबाउट मासेस फिर स्पेक्ट आता है कमर्शियल कई लोगों को ये नहीं पता कमर्शियल का मतलब क्या होता है क्या नहीं है क्या नहीं है

जो आर्टिस्ट अपने ईगो की वजह से बड़े गाने नहीं बना रहे और वो बोलते हैं कि इन लोगों को म्यूजिक समझ नहीं आता भाई ही इज नॉट जस्टिन बीबर जस्टिन इज अ म्यूजिशियन BTS इज म्यूजिशियन Ed Sheeran म्यूजिशियन musician, Eminem is musician, म्यूजिशियन Dr. डॉक्टर is म्यूजिशियन Exactly। सब अपना आर्ट बना रहे exactly. जिसका हिट हो गया उसको कमर्शियल नहीं बोलते भाई Exactly।

हम वो हैं हम इंडियन लोग वो हैं कि हमें तुम्हें समुंदर कैसा होता है दिखाने के लिए समुंदर के पास ले आने की जरूरत नहीं है हम दो बातों में हमें समझा दो हम समुंदर अपनी आंखों से खुद देख लेंगे हम इतने गहरे होते हैं True. हम तो मतलब ये कोर में जानता हूं ये हमारा कोर है अभी हम खेल रहे हैं सिर्फ हाइप और क्लाउड पे hmm. ये, कूल ये कूल है ये कूल है ये कूल है हम उस पर खेल रहे हैं बट डीप इन तेरे लिए करा मैंने लव तूने करा मेरा हार्ट ब्रेक कूल cool रहेगा लोग सुनेंगे कूल cool, कूल cool, बट कितने समय तक उस चीज को सुनेंगे ना वो मैटर करता है तो मेरा म्यूजिक भी ना पैसे की तरह ही है भाई लंबे लंबे समय समय तक समय तक चलना इसलिए लोग आज भी जितने लोगों को नाम से पता है गाने लोगों को पता है किस गाने में मैंने क्या बात बोली है वो आज भी सुनते उनको फ्रेश लगता है दूसरी एक चीज मैंने ये चीज जानी भाई देखो बिना इतिहास के ना बिना बीते हुए कल के आने वाला कल नहीं है ये मेरा मानना है हम आज भी अगर मोहम्मद रफी के गाने हमें चला दूंगा ना कोई क्लासिक चला दूंगा आप साथ साथ गाओगे और वैसे आप ना भी सुनते हो तो चलेगा बट आप गा दोगे पता है क्यों कहीं भी उन गानों के अंदर ना ये बात नहीं बोली गई कि कोई भी फ्लैशी वर्ड्स नहीं है कि तेरा बिलीन कर दू मैं क्लीन ये चीजें नहीं है दीज आर हाइप कल्चर्स उनमें है कि तेरी तेरी आंखों में काजल जैसे बादल जैसे काले बादल भाई ना आंखों में लड़कियां काला काजल लगाना छोड़ेंगे ना बादल कहीं जा रहे हैं काले yeah. मैं ये बोल बोल थक गया हूँ कि ये चीज समझो पॉइंट क्या है हम क्यों नहीं एवरग्रीन बोलते हैं एवरग्रीन वो होती है कि हाइप कल्चर आएंगे जाएंगे जो बात जैसी है ना वो वैसी ही रहेगी नाइस nice. मेरी आर्ट इसीलिए जब आप मोमेंटे सुनोगे ना मोमेंटे के अंदर कोई भी हाइप वर्ड नहीं है इट्स ऑल अबाउट फीलिंग एक दिन होगा रास्ता भी जाम मेरे नाम से तेरी गली का वो भी एक मोमेंट है

सारा गाना लोग गाते हैं लोगों ने पूरा, एक पूरा पूरा पूरी बॉडी मिल जाती है mm. हम इंडियन सबकॉन्शियसली ना ऑल दिस बिग जिनको ये शायद बहुत सारे नए लड़के बोलते होंगे इनको ये ये कुछ नहीं पता दे रोनो भाई हिप हॉप आज से 25 साल पहले ना गानों में करके छोड़ दिए गए हैं हिप हॉप बीट्स करके छोड़ दिए लिटरली बहुत बड़ा एग्जांपल देता तो हूँ वो गाना सुना है कहता है पल-पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना yeah. अब देखो yeah. आप सुनते नहीं होगा मगर याद yeah. आ गया आपको गाना है ना एक पल भी जाने जाना मुझसे non, दूर no, no, नहीं जाना, जाना प्यार दिस इज हिप हॉप बीट इस पे अच्छा लिखा हुआ कंपोज ट्रैक मिक्स कर देना हम सोच के देखो वो गाना सब ने सुना हम और वो कहीं नहीं जाएगा ना मैं आपसे बीस साल बाद भी किसी पार्टी में बजा दूंगा ना लोग उसी को कहें ये है भाई ये एक बेसिक सी चीज है ये पकड़ पकड़ के खींच रहे अपनी तरफ के हमारी चीज सुनो दिस इज शिट एंड दिस इज रियल यू कैन नॉट जस्टिफाई शिट एंड रियल एवरग्रीन एंड राइट नाउ यू कैन नॉट इवन जस्टिफाई वट इज हिप हॉप दिस इज दिस इज अस कोई चीज स्ट्रीट से बनी है भाई जिसका कोई गॉडफादर नहीं है वो एक्सप्रेशन है लेट इट बी अब बाहर देखो क्या होता है बाहर हिप हॉप के इतने वेरिएशन है ना अब इतने ड्रेक और इतने वेरिएशन ला चुके ना नाउ इज जस्ट म्यूजिक जस्ट म्यूजिक नाउ जिसको जब हमारे गाने सीड होते हैं ना प्ले लिस्टिंग में स्ट्रीम्स में तो वो अपने हिसाब से पॉप कैटेगरी में डाल देते हैं हिप हॉप में दैट जस्टिफाई कि ये पॉप है या हिप हॉप है hmm. अब चीजें इतनी ज्यादा वो हो चुकी हैं बहुत हो गया नाउ इज जस्ट म्यूजिक now just people just want one genre that is vibe yeah people don't give a fuck and really the normal people the masses don't give a fuck yeah music itna zyada evolved ho chuka hai dude i am masses mero gana acha laga mere liye vibe match ho raha hai ho raha hai i don't care exactly. hip hop pop whatever exactly. kya hai ab socho uh, mere khayal अब ab, 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 ab uh, drake ka sabse bada track phenomena uh, bana uh, hotline bling hmm that wasn't a hip hop track hmm that wasn't even a pop track

वॉट इज द रीजन जो लाइक वॉट यू फील अमेरिकन आर्टिस्ट या इंटरनेशनल डिफरेंट करते इंडियन आर्टिस्ट से वाई इंडियन आर्टिस्ट कोई वर्ल्ड फेमस नहीं बन पाया ऐसा क्यों लाइक इज इट ओनली लैंग्वेज कि उसके अलावा भी हाउ कोरिया कोरियन म्यूजिक लैंग्वेज के बिना भी बी टी एस मेड वाइडो स्पेनिश या एन्द्री के लाइक पॉपड आउट पहले वो स्पेनिश में था फिर इंग्लिश थी स्टार्ट डूइंग इन फैक्ट ना ये भी बहुत बड़ा होते जा रहा है ब्राजील साइड नो यू नो बेटर बट कमिंग अप इंडिया में क्यों नहीं ये सब हो रहा है लाइक व्हाई इंडियन आर्ट नॉट वर्ल्ड फेमस मैं बताता हूँ सो so, इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीजन भी है पहले क्यों नहीं हो रहा है एक साइड का बताऊंगा uh, ये बहुत अच्छा पॉइंट रखा क्योंकि अभी पिछले दस साल के अंदर हमने देखा है कि लैटिन म्यूजिक उठ गया है म्यूजिक mm, उठ yeah. गया अब म्यूजिक भी उठ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है <clears throat> ऐसा क्यों नहीं होता उसका पहले रीज़न दूंगा इसमें ना हैजी नहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सो इंग्लिश इज़ अ वर्ल्ड लैंग्वेज ठीक है जब अब लोग ये लोग सोचेंगे क्या बातें चल रही हैं बट ठीक है जब सुपर पावर अमेरिका बना आप सुपर पावर कब कहलाते हो जब आपके पास सबसे ज़्यादा तीन चीज सबसे ज़्यादा होनी चाहिए मतलब आपके पास आपकी आपका आर्सनल लाइक आपका यू you नो know, गन्पार, गन्पार, पार, मसल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग हो फाइनेंस पावर बहुत स्ट्रांग हो और तीसरा जो होता है आपका कल्चर, कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग ये तो हमने पढ़ा भी है ठीक है मैं म्यूजिक को वहां ऐसे कनेक्ट करता हूँ भाई अपनी चीजों को ये तीन चीजें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपके और ये वर्ल्ड फेमस होनी चाहिए तब आप पावर सुपर पावर कहलाते हो ठीक है अब सुपर पावर बनने के लिए एक चीज़ बहुत होती है जब आपकी लैंग्वेज अगर सोचो रशिया सुपर पावर होता ना तो आज हम सब रशियंस में गाना गा रहे होते रशियन सुन रहे होते hmm. और इस पीरियड को लगा है साठ सत्तर साल लगे हैं वहां पर कैसे काम करेगा उस टाइम पर म्यूजिक को कैसे रखा गया म्यूजिक को और हॉलीवुड को दोनों चीज़ों को अलग रखा गया इसलिए म्यूजिक के वुड स्टॉक फेस्टिवल और बड़े बड़े रॉक स्टार इसलिए वहां पर एलवी स्प्रेसली सारी चीज और पब्लिक फिगर्स और बड़े हो जाने म्यूजिक को शुरू से ऐसे ड्राइव करा गया वहां पर अलग हॉलीवुड को अलग ड्राइव करा गया ठीक है इंग्लिश ने वहाँ पर एक बहुत अब जब इंग्लिश देखो यार कोरियन बंदे भी इंग्लिश सुनते हैं हम भी इंग्लिश सुनते हैं ठीक है और हर जगह की इंग्लिश सुनते हैं इंग्लिश सॉरी ओके थैंक यू वेलकम ये तो हर किसी को आता है yeah. इतनी बेसिक इंग्लिश अब जब इतनी बेसिक गाँव के बंदों को भी आती है बाहर देश के जो बिल्कुल वैसे एरियाज हैं तो इसका मतलब वो है सुपर पावर है जिम्मे उसी चीज़ की है अब वहाँ के आर्टिस्ट अब अब बाय द टाइम साठ सत्तर साल के अंदर कंट्री ने भी ग्रो करा जीडीपी भी बढ़ी बहुत चीजें बढ़ी तो वो बहुत सारा फाइनेंस लगा सकते थे अपनी yeah. चीजों पे ठीक है अब ऐसे में गाने किस तरीके से और फिर उनकी मार्केट कैसे ड्रिवन हुई कि वो वर्ल्ड वाइड हो गए आज hmm. हम सब वी कैन ड्रेक टू ऑल दिस थिंग्स ठीक है ये सारी चीजें हुई हम फिर समझने भी लगे पहले हमें समझ नहीं आते थे आज से चार चालीस साल पहले वाले लोगों को समझ नहीं आते हाँ, थे इंग्लिश गाने अब हमें समझ में आता हैं और हम सुनते ही वो हैं समझ रहे हो वो चीज़ कैसे टेक ओवर हुई है बाय द टाइम के मनी जैसे ऐसे कंट्री में आए जैसे जैसे चीजें बनी उन्होंने वो चीज म्यूजिक के अंदर भी डाला है उन्होंने अपना कल्चर म्यूजिक के थ्रू हाँ एग्जैक्टली exactly. और यहाँ आर्टिस्ट सबसे बड़ा पार्ट प्ले करते हैं सोसाइटी के अंदर हम कोई भी कल्चर को ला सकते हैं इस टाइम पे जो हम कल्चर आ, जो चल रहा है ना ये जो हाइप कल्चर चल रहा है दिस इज ऑल अबाउट हिप हॉप ठीक है जिसमें जिसमें हम अपनी बात ही नहीं कर रहे हैं हम बात ये कर रहे हैं कि बाहर के लोग कैसे पहनते हैं कैसे रहते हैं इस चीज़ को मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखता हूँ सोच के देखो हम अपनी आइडेंटिटी हो रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छा अब यहाँ पर एक विजय एक स्टडी का विषय ये भी मेरे लिए भी ये चीज़ है कि भाई लैटिन म्यूज़िक कैसे बूम करा कोरियन uh, म्यूज़िक कैसे Korean. बूम करा तो इनकी जो मशीन कल्चर से बहुत जुड़ती हैं ये सारी चीज़ें कि क्या हमारा कल्चर हमारी चीज़ें कोर हमारी इतनी स्ट्रांग है और हम जिस कोर में कर रहे हैं क्या वो इतनी स्ट्रांग है सामने वाला बंदा इंप्रेस हो रहा है उस चीज़ से हमारा जो जो तरीका है ना वो बहुत मिक्सड है ठीक है बहुत तगड़ी चीज बोलूंगा भाई बूम करेंगे मगर पता है क्या बूम करेगा पंजाबी म्यूजिक दे आर डूइंग द रियल देसी हिप हॉप रैपर्स आर फाइटिंग ओवर वट इज देसी पॉप वट इज नॉट दिस इज मैं करता हूं देसी पॉप दिस इज नॉट देसी पॉप दिस इज रैप इन हिंदी देसी हिप हॉप इज एक्चुअली वट दे आर डूइंग सिद्धू पाजी ने जो करा है करण जो कर रहा है दिस क्योंकि उनकी कोर लैंग्वेज वही है उसके आसपास की सारी चीजें इंटरनेशनल hmm. तो अब वो और हमारे खुद yeah. you know, पंजाबी म्यूजिक hmm. like was... भी बहुत सही रीजन पता क्या है मैं पॉप बोलता हूं उसे. Hmm. मेरे लिए वो देसी पॉप इसलिए क्योंकि हिप हॉप बीट अर्बन उठाई hmm. प्रोड्यूसर्स ने उसपे भी डाली थर्ड डाली hmm. हमारे खुद के एलिमेंट डाले और जो आर्टिस्ट जो कर रहे हैं है अब तो एविल्यूट हो गई uh -huh. तो कुछ भी है और बातें वो कोर की कर रहा है और कल्चर की बातें कर रहा है नाउ वेन वी वेन वी लिसन टू पंजाब म्यूजिक वी सी अल डिफर वो वर्ल्ड से बेस्ट चीजें उठा रहे हैं

इसमें मत लड़ोगे रैप किसने करा है किसने क्या करा है ये बेवकूफ वाली यह चीज शायद मेरे ख्याल से इस ये एक रीजन है जो नहीं बढ़ पाएगी ये चीज yeah. और यही एक रीजन है ये वाला दूसरा hmm. वाला जो चीज जाएगी ग्लोबल कि हम दूसरे लोगों को देखने में इतना बिजी हो गए दैट वी फॉरगॉट फॉर ओनर हम हाइप कल्चर में इतना ज्यादा घुस गए कि हम अपनी आइडेंटिटी खो रख के आइडेंटिटी बोल भाई इसमें बार्स नहीं थे अबे हमारा कल्चर बार्स वाले नहीं तू फील देखना भाई कितनी है सिद्धू पाजी बार नहीं मारा करते थे hmm. बाते हैं भाई बातें दिस इज वट वी फ्लेक्स वेन वी सिट इन कार हम बजाते हैं वो चीज हम नहीं बजा रहे होते एक मिनट में कितने शब्द बोल दिए इस बंदे ने yeah. बातें वो बोलियां हैं पोएट्री है शायरियां हैं वो ब्लेंडेड है दे आर डूइंग हिप दे से हिप हॉप इन रियल सेंस एंड यू नो वॉट इवन फाइट अबाउट इट दे डोंट इवन गिव अ फक कि हमें हिप हॉप में रख रहे हो या नहीं रख रहे दे आर जस्ट डूइंग इट

हम बहुत डाइवर्स है इसलिए म्यूजिक hmm. yeah, yes. hmm. wow. ये ना ये, ये समझने वाली बात है आर्टिस्ट जितने भी है ना जो एक दूसरे को समझने वाली बात है ये बाहर वो ही इंडियन म्यूजिक रिप्रेजेंट हो रहा है वो इंडियन म्यूजिक हम यहाँ बोलते हैं पंजाबी म्यूजिक है, है। क्यों है ऐसा आप क्यों नहीं सीख पा रहे वो चीज वो लोग वो लोग ब्रेक थ्रू कर रहे हैं आप क्यों नहीं कर पा रहे मेरे लिए रिप्रेजेंट मेरी नजर में मैं खुद एक कलाकार हूं भाई मेरे लिए ग्लोबली वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने साउंड पे उस तरीके से काम करा उन्होंने यूके की ड्रिल बीट नहीं उठाई उन्होंने ड्रिल बीट भी उठाई है तो उसके साथ भाई उनकी लिंगो वही है they've, they've their own taste. और भाई इंग्लिश को ब्लेंड करके बोलते हैं अपने <laughs> हिसाब से बोलते हैं मतलब ये काबिल तारीफ है भाई किसी और के लैंग्वेज को आप ऐसा तोड़ के अपने साथ पेल दो गाने के अंदर पे ऐस की कोई दिक्कत ही नहीं और फिर वही लैंग्वेज वाला तुम्हारे जैसे गा रहे हैं स्ट्रीटा स्ट्रीट स्ट्रीटा स्ट्रीट तो <laughs> स्ट्रीट <था। laughs> आप फर्क ही नहीं बता सकते पंजाबी है इंग्लिश है दे आर दे आर नॉट फाइटिंग ओवर इट दे आर जस्ट डूइंग इट जिस दिन, दिन लड़ना बंद कर दोगे ना उस दिन भला हो जाएगा उस दिन सिर्फ काम होगा एज एन आर्टिस्ट हाउ डू यू मैनेज योर मनी लाइक नोइंग दैट कल पता नहीं तुम्हें होगा yeah, yeah, हो, yeah, yeah. हो सकता है कल आज से दस गुना बढ़ाओ सौ गुना बढ़ाओ yeah. हजार गुना बढ़ाओ बट mm -hmm. हो, हो सकता है कल जो आज है वो भी mm -hmm. नहीं हो राइट हाउ डू यू मैनेज योर मनी लाइक इसका बड़ा सिंपल सा हाँ मतलब इसका बड़ा सिंपल सा है और ये सिर्फ म्यूजिक नहीं इट्स बिजनेस किसी भी चीज का बिजनेस हो सो कोई भी चंक मनी जो आपको मिलता है बिग चंक अगर आप उसको रखे रखो वो बिग चंग खत्म होता है yeah. और अगली बार आपको बिग चंग कोई ऐसे नहीं कि अगले बार वही बिग चंग मिलेगा ठीक है इट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंसेज योर प्लान एंड स्ट्रैटेजी ठीक है अब आपको एक बड़ा चंक मिला आपने उसके छोटे छोटे हिस्से करें hmm. अलग अलग जगहों पर डालें जहां पर आज नहीं तो दो साल तीन साल बाद वो चीज़ अलग ग्रोथ करेगी वो आपके बड़े चंक को डबल नहीं करेगी मगर जितना आपने पार्ट डाला आपने एक डाला तो वो दो कर देगी तो वो एक और वो दो को चार कर देगी तो वो एक अलग चंक बन जाएगा आपने ये सब ऐसे ऐसे करा इन दी एंड जब आप देखते हो तो आज से दस साल बाद वो बहुत बड़ा चंक बन चुका है yeah. आपको शायद दोबारा किसी से, से बड़े चंक की जरूरत ही ना पड़े ये बिजनेस में भी यही चीज है यू 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 आर डूइंग बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम नो इट तो वो चीज ऐसे काम करती है हाउ हाउ मच मच डू इन्वेस्ट इफ डोंट माइंड मैं हर नई अपॉर्चुनिटी के हिसाब से डिपेंड वो, वो करता हूँ कहाँ इन्वेस्ट और कैसे करूँगा हर बार चेंज होता है मनी फ्लो हर बार डिफरेंट होता है मार्केट भी डिफरेंट नहीं रहती स्टॉक्स भी एक ही नहीं रहते तो पैसा कैसे एक रहेगा भाई है ना तो बेसिकली क्या रहता है कभी कभी वो, 50 -50 हो जाता है। कभी -कभी वो 100 ही मेरे पास होता है थिंग दैट mm. mm. like, yeah. कोई चीज ना मुझे अफेक्ट ना करनी करें mm. अगर सौ कमा रहा था तो मैं पचास की चीज नहीं खरीदूंगा मैं पहले ये देखूंगा डेप्रिसिएशन एसेट क्या है वाह ठीक है अगर मुझे लगता है कि ये गाड़ी है जो अस्सी लाख की है ये गाड़ी मुझे तीस लाख में मिल सकती है मैं बेवकूफ का भट्ठा बैठा हूँ क्या यहाँ पर मैं लोगों को दिखाने के लिए ब्रांड न्यू गाड़ी करूँगा जिसकी कमी कीमत ही नीचे गिरनी है क्यों लूँगा हाँ। अब सोसाइटी क्या होती है आप कहाँ बज आपकी कहाँ लंका लगती है भाई यार बंदे बोलेंगे बंदे ने सेकंड हैंड ले लिया यार भाई भाई फर्स्ट हैंड भाई करना है तो भाई पूरा करना है तो चलाएंगे भाई बड़ी गाड़ी भाई फर्स्ट हैंड निकलवाई ये मैंने आपको बता दी फर्स्ट हैंड मैंने आपको बता दी फर्स्ट हैंड मैंने अपने साथ वालों को बता दी फर्स्ट हैंड दो महीने बाद उसकी थू तो बिल्कुल सेकेंड हैंड ही रहेगी उसकी शक्ल सेकेंड हैंड हो जाएगी फिर मैं लोगों को अच्छा अब मैं लोगों को बोलूंगा भाई फर्स्ट हैंड ली थी वो गिव्स अ फक या गिव्स अ फकिंग फक भाई क्या फर्क पड़ता है लोगों को आपने फर्स्ट हैंड लिया सेकेंड हैंड एक महीने के अंदर सबको पता चल जाएगा आपके पास है चीज़ नाउ इट्स ओवर हाइप कल्चर इज गॉन नाउ वॉट अस्सी लाख रुपया बर्बाद कर चुके उस चीज़ पर जो पचास में आ सकती थी जो चीज तीस में आ सकती थी आप उस पर अस्सी वेस्ट कर चुके हो तो ये भी देखना बहुत जरूरी होता है तो जब मैं कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करता हूं ना मैं कोई चीज लेनी होती मैं पहले ये देखता हूँ डेप्रिशिएशन एसेट है कि नहीं है या क्या अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ बढ़ सकती है अगर लगता है कि घटनीयम मगर मुझे चाहिए मैं ले लूंगा मैं बेस्ट डील उठाऊंगा घर ले लिया अभी नहीं अभी लेना है घर ले लिया घर ले लिए हैं ले इंटरेस्टिंग तो Interesting. वो तभी हो पाया जब मैंने ये चीज जानी कि मैं किसी ऐसी चीज पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा जिसकी वैल्यू गिरनी है hmm. मार्केट में जाके मैसेज तो ऐसे हैव यू इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स या या रियल रियल ऑब्वियसली बट नॉट नॉट इन स्टॉक बट मैं अच्छा मैं अभी जो भी चीजें कर रहा हूं जो भी चीज इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं अभी के लिए नहीं कर रहा मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी अभी इस टाइम पे जो मैं कर रहा हूं हूँ जो मेरे को 2 साल बाद भाई 2 साल बाद इसका ही मिल जाएगा आई डोंट वांट क्विक रिटर्न मेरा हाँ जब मेरी कला ही मेरी कला ही बहुत लिमिटेड टाइम तक रहने वाली है मैं आई नो दिस थिंग स्पोर्ट्स पर्सन की भी रहने वाली है तो मैं ऐसे क्विक क्विक डिसीजन क्यों लूँ मैं उस चीज़ को छोड़ दूंगा लेकर मैं छब्बीस का हूँ मैं छत्तीस तक रुकूंगा और मैं ऐसी दस जगहों पे चीज़ें लूँगा जो छत्तीस के बाद दस साल बाद देखेंगे और उन जगहों पे लूँगा जो थोड़ी सी डेवलपमेंट से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे हो जहाँ पर मुझे पता है दस साल के अंदर वो एक्वायर हो जाएंगी चीज़ें और ज़्यादा रिटर्न और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा छत्तीस का होने के बाद जो आज मैं दो का चार बना के उठूंगा दो साल बाद मैं छत्तीस का होने के बाद पता नहीं क्या उठा बना के निकलूंगा मैं उठाऊंगा भी नहीं भाई पड़े रहो hmm. क्योंकि मेरा ऑलरेडी कहीं से पैसे इनकम होगा जहां मैं मुझे पता भी नहीं होगा मैं क्या क्या करके बैठाऊंगा दैट्स द गोल दैट्स द गोल फाइनेंस फाइनेंशियल फ्री हो जाऊँ मतलब फाइनेंस फ्री हो जाओ लाइफ में hmm. वो गोल है मैं तब भी बैठ के गिनना नहीं चाहता कि यार इतने बचे इतने नहीं नहीं, नहीं। अब आपको कैसे इन्वेस्ट करना है कैसे नहीं वो वो सोचने वाली चीज़ होती है अच्छा दूसरी चीज कई बार आपके साथ के लोग ऐसे नहीं होते जो आपको डिसीजन बनाने दें कई आपके साथ हर बार ब्रेनिंग नहीं बैठे होते बंदे के नहीं भाई आप ये मत करो कई बार आपके साथ वाले ही पंप होते हैं ऐसे बहुत आर्टिस्टों को जानता हूँ जिन्होंने अपने साथ वालों को पा यार फर्स्ट हैंड ले लो गाड़ी को दिक्कत नहीं होता है उठा लो दस की चीज सौ में उठा लो हवा बना दो हवा हो जाएगी हवा हो जाएगी एक करोड़ लोग हैं कितनी हवा बना लोगे कितनी हवा बना लोगे हवा मत बनाओ भाई बेस बनाओ कई आर्टिस्टों ने उड़ाया पैसे इस चक्कर में क्योंकि साइड सात वालों ने पंप करा भाई ये लाइन बोली ना हट हिट करेगी मुझे हवा हवा हाँ, हाँ बनाओ भाई बेस बना लो हाँ दिस दिस। बहुत लोगों ने मतलब बहुत हैं आर्टिस्ट मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ से लेके और दूसरी चीज़ मैं अपने कोर पे भी इतना सॉलिड हूँ कि मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि ये चीज़ क्या होगी और इससे कैसा होगा क्या रिटर्न होंगे इसके और मैं कभी मैं इसको ईगोन लाता मैं क्यों पूछूँ नहीं भाई मेरे को कई बार हो सकता है कोई पंद्रह साल का बच्चा जो स्टॉक्स में खेल रहा है वो मेरे को बता जाए कि भाई आप ये करो तो और इससे आप ऐसी तैसी कर दोगे मैं उससे सीख लूंगा मेरे पास पड़ी है मुझे पता है मुझे बस मुझे बस जानना है आई जस्ट वॉन्ट द नॉलेज द राइट नॉलेज दैट्स द होल थिंग मेरी लाइफ मेरी आर्ट सब इसी चीज़ पे राइट right नॉलेज क्या है वेरी इंटरेस्टिंग right मेरे को knowledge. अपनी रॉयल्टीज भी आएंगी एक टाइम बाद मेरे को रॉयल्टीज की भी लोड नहीं है मेरे पास इतनी एसेट्स होंगे चीजों के hmm. डेप्रिसिएशन वाले अलग होंगे जो मैं शौक करके खत्म कर दूंगा है ना

हो See, या हो सकता है मेरे नाम का रेस्टोरेंट सी यही है बिजनेस यही चीज सीखने वाली है ये इन सब चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ okay. इन सब चीज़ों में मैं काम कर रहा हूँ मैं मर्च नहीं निकालूंगा अपने hmm. मेरा मे, मेरे पास सारे प्लान हैं कि मुझे क्या करना है स्टेप बाय स्टेप मेरा मेरा ब्रांड मैं खुद का एक ब्रांड लॉन्च करूंगा जिसमें ना बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा बहुत माइंड फक चीज बताऊंगा मैंने अपना नाम किंग क्यू भी रखा अगर आप कहीं किंग लिख भी दोगे ना तो जो आप उसे देखोगे और जो उसे पहनेगा तो शायद मेरी शक्ल नहीं आएगी बट किंग वो एक स्टेटमेंट है किंग इज अ स्टेटमेंट समझ रहे हो hmm. कई बार होता है ना कि अपने नाम से आप एक अपनी निकाल देते हो ब्रांड और आप सोचते हो लोग इसे पहनेंगे ah. बट लोग जब आपका नाम लिखा उसको लोग वो अपने आप को फील कर ही नहीं सकते बट hmm. नाम King तो सब feel करेंगे किंग सब फील करेंगे इंस्टाग्राम का नाम भी आई फील किंग है hmm. तो मतलब मेरा कुछ भी नहीं है अपना इट्स ऑल जस्ट वाई यू नो Nice. जो लोग फील कर सकें आर्टिस्ट्री भी वही है तो अभी दो तीन साल में हो सकता मैं अपना अब एक ब्रांड खोलूँ नाम मैंने आज से पाँच साल पहले सोच लिया था ब्रांड का क्या हुआ उसका नाम किंग तो बिल्कुल नहीं होने वाला और वो ब्रांड स्लिम टू फैट फीमेल्स बॉयज ऑल साइज सब के लिए ऐसा फिट होगा वो ऐसी चीज़ होगी वो ऐसी लाइन होगी क्लोदिंग की जो हर बंदा पहन के कॉन्फिडेंट फील करेगा और उसको लगेगा कि हाँ कोई चीज़ है बिजनेस उससे बाद में करूँगा मैं पहले मैं वो फील वो टेक्सचर वो चीज देना इमोशन ट्रांसफर करूँ मैं पहले वो इमोशन ट्रांसफर करना चाहता हूँ वो राइट right चीज लेकर आना चाहता हूँ कि वो पहने लोग और उसका डिजाइनर वो फिट ऐसा हो कि लोग फील करें यार दिस इज माय शर्ट दिस इज मी दिस इज नॉट किंग दिस इज मी एंड आई एम किंग समवेयर वो एक फील करे वो एक फील वो एक कॉन्फिडेंस आई फील किंग हाँ वो मेरा है बाकी और भी बहुत सारे प्लान है सी ऑन फिगरिंग आउट वी गेट अपॉर्चुनिटीज सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप स्टार्स और स्टार्स म्यूजिक आइकॉन ऑफ इंडिया हु वांट्स टू लॉन्च वन डे एन इमोशन व्हिच ही कैन ट्रांसफर फ्रॉम हिज हार्ट टू अदर पीपल इफ़ यू आर समन जिसके पास इस ड्रीम को या इस प्लान को रियलिटी में एग्जीक्यूट करने का कुछ तरीका या वे है

Game भाई छोले कुलचे छोले भटूरे दोनों भाई भाई ये दोनों पसंद है मुझे <laughs> तो मतलब हम यहाँ तक भी सोचते हैं कि कैसे अपने ब्रांड खोल देगा छोले भटूरे का भाई <laughs> मतलब हाँ भाई मेरे लिए ना कोई धंधा बड़ा और छोटा नहीं <laughs> मैक्स स्टेटस लेके बैठा उसका मतलब ये नहीं कि मैं बड़ी चीज करूंगा <laughs> भाई जी आज ही पांच रुपए का क्यों बिकता है कितने बिस्किटो के रेट बढ़े और कितने बिस्किट खत्म हो गए आज भी पार्ली जी पांच रुपए गई है और वो अकेला ऐसा बिस्किट है जो एक सौ चौंतीस करोड़ लोग जो बच्चे हैं ना जिनको अभी समझ ही नहीं है जो इतने छोटे हैं बेचारे उनको छोड़ के जिस भी इंसान को समझ का जिस दिन बल्ब जल जाता है ना एक सौ चौंतीस करोड़ लोग वो सब जानते हैं पार्ली जी क्या है छोटा बिजनेस छोटे पांच रुपये का मिलता है सिर्फ सबको पता है वो कितना रेवेन्यू जनरेट करते होंगे ना उससे वो ही जानते हैं पूरा कंपनी बन गया उसके exactly. तो मेरे लिए मेरे लिए ये भी बिजनेस है मेरे लिए ये भी बिजनेस है बिजनेस राइट नॉलेज किस चीज की है लोग अच्छा बहुत से आर्टिस्ट लोगों को ही बोलते हैं भाई मैं पैसे के लिए नहीं करता हुँ. मैं फील करता हूं मैं इसलिए करता हूं मैं कहता हूं मैं उस बंदे के आगे एक खोखा रख देता हूं क्या वो नहीं लेगा अपनी आर्ट के लिए सब लेंगे सब लेंगे सब लेंगे तो ये बिजनेस नहीं हुआ अब कैसे इमोशन तुम्हारे यूं हो गए? Mm. बेसिकली बहुत सही बात है भाई। mm. आप नहीं कर पा रहे तो आप बोलोगे ये है। मैं इसके लिए नहीं करता भाई mm. चाहे इतने लोग सुने के लिए करता हूं भाई कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं या तो वो इतना फाइनेंशियली फ्री होने वाला लाइफ में mm. हाँ, कि वो, वो इतना पैसा नहीं पड़ता। वेस्ट। आ, अब फर्क नहीं पड़ता उसने तैसी कर दी भाई दुनिया की बैंक मिलियन डेप्थ में बंदा आज छहवर्क लेके बैठा है spam, 3 years, तीन से चार साल के अंदर जो बंद थर्टी मिलियन डेप्थिट में आ जाए गेम चेंज दिया लोग उसे बेवकूफ बोलते थे उसने कर दिया नाउन भाई एक बताओ ना एक ऐसी Just a album. That's it. Yeah. Album होने से पहले उसने अपना एक मीडिया और समथिंग एक गैजेट बनाया था जिसमें वो पूरी डोंडा एल्बम चलती थी एल्बम शुरू होने से एल्बम लॉन्च होने से पहले एल्बम की जितनी भी उसने टोर्स करें वो सोलह मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके गया उस चीज से एल्बम रिलीज होने से पहले इमेजिन सोलह मिलियन एल्बम रिलीज होने से पहले कमा लिया वाइल्ड अब क्या उसे बाहर बोल देंगे भाई ये पैसे के लिए करता है रियल थोड़ी है तू तो पैसे के लिए करता है इसीलिए तो अपे अब बिना अब अब उसके लिए करना इमोशन के लिए करना अब वो कर तो रहा है <laughs> नाइस ये समझने की बहुत जरूरत है और भाई सही बताऊं मेरा ऐसा मानना है आ, बहुत से ऐसे लोग हैं पता है जिन्होंने शायद ये चीज देखी भी नहीं बहुत से ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो गलत बोलते हैं बट उन्होंने नहीं देखी भाई मैं वहां से आता हूं जिसको जिसका जिसके पास कुछ ही नहीं था अगेन hmm. दिस मैं घुसा मैंने देखा मुझे पता है कि घर वालों की क्या जरूरतें होती हैं हम ट्वेंटी सिक्स नाउ ठीक है बहुत सारे यहाँ पर रैपर्स है हैं जो बाईस और तेईस साल हैं वो बोलते हैं अरे हम तो भाई अपने लिए करेंगे ये करेंगे वो करेंगे द पॉइंट इज और बहुत सारे ऐसे रैपर भी हैं जिनको मैं जिनसे जिन मेरी बात होती है वो मेरे को बोल रहे हैं भाई वी आर गेटिंग अ जॉब वी आर लिविंग दिस वो हो, हो गया उनकी एज भाई ट्वेंटी एट हिट करते ही ना आपको पता चलता है कि आपके घर वाले आप आपको आदमी घोषित कर चुके हैं आप लॉन्डे नहीं हो एक आदमी से एक सोसाइटी भी ना कुछ एक्सपेक्ट करे घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं यू हैव टू अर्न ब्रेड एंड बटर नो मैटर वॉट तुम्हारे घर में कितने कमाने वाले हैं यू हैव टू गेट योर ओन आइडेंटिटी यू हैव टू हैव इट कि भाई होनी चाहिए वो चीज़ ये चीज़ है अभी नेक्स्ट फाइव ईयर में ना ये चीज बहुत होने वाली है मैं भी एक अपने एक दो दोस्त से बात कर रहा था इस बारे में दैट राइट नाउ जितने भी मैं अब जिन बंदों से मैं बात कर पा रहा हूँ uh, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं जाना चाहूँगा कि मेरी बातों के बड़े अजीब तूल बनता है लोग कभी मुद्दा नहीं समझते और ये शायद पाँच साल बाद समझेंगे इस टाइम पे ना ग्रेट डिप्रेशन टाइम चलता है फॉर आर्टिस्ट फॉर एवरी वन ग्रेट डिप्रेशन टाइम रीज़न बी दिस जो जसन बीवर के प्रोड्यूसर ने बात बोली यहां पर हाइप कल्चर के अंदर वो चीज कूल इतनी हो गई है ना क्या वो ईगो बन चुकी है योर स्टेटमेंट इज योर ईगो एंड योर ईगो इज योर स्टेटमेंट नाउ दैट्स द मोस्ट अप थिंग दैट एवर हैपन टू एनी आर्टिस्ट बहुत लोगों के साथ ही है और वो सब अभी बाईस तेईस चौबीस चार साल और रुक जाओ अगर वो नहीं ब्रेक थ्रू कर पाए ना ये चीज वो नहीं ब्रेक थ्रू कर पाए उनके सिर्फ गाने रह जाएंगे यूट्यूब पर वो छोड़ देंगे वो चीजें क्योंकि वो उतना जितनी उनकी फैमिली को फीड करे वो रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाएगा yeah. मैं बस यही है कि उस चीज को समझो दिस इज रियल शिट दिस इज रियल लाइफ इट्स नॉट अबाउट बींगल रियल रैपर और फेक रैपर इट्स अबाउट बींग अ रियल पर्सन इन लाइफ अपनी आर्ट वो जो सपने आप सपने लिखते हो उन सपनों से कुछ सच में आप निकाल के लेकर आ रहे हो जिससे सच में लोगों के पेट भर रहे हैं आप इस चीज को समझो दैट्स अ रियल डील दैट्स अ रियल बिजनेस दैट्स अ रियल लाइफ इफ़ यू आर मेकिंग इनफ मनी एंड यू से दिस बाई पैसा हर चीज नहीं होती आई रिस्पेक्ट योर लॉट बट इफ यू आर नॉट इफ यू आर मेकिंग शिट यू आर मेकिंग नथिंग एंड यू आर से बाई पैसा हर चीज़ नहीं होती है वही है ना एक बड़ा सही है कोट था कि एक बंदे ने एक बड़े डिफरेंट कलर की बुकाटी ले रखी थी और hmm. तो मैंने पढ़ रहा था कि बड़ी डिफरेंट कलर की बुकारी थी तो उसने एक बंदे ने बोला आपने एक कलर की लिया बुकाटी का ये अच्छा नहीं है मतलब इट्स नॉट गुड कोई भी कलर ले सकते थे तो वो उससे बोलता है अच्छा तो वॉट कलर इज योअर बुकारटी बूम माइक ड्रॉप नाइस अब उसने वो डिफरेंट करा लिया इसलिए क्योंकि भाई उस पर बुकाडी वो ले सकता है उस पर है सोलह मिलियन उसने खरीद लिया आठ सोलह मिलियन की गाड़ी अब वो कुछ भी कलर चाहे उस पर करा सकता है उसको पता है वो बुकाटी पे करा रहा है उसका आप उसको आके बोलोगे ये क्या ले लिया ये कलर यार क्या ले लिया तोता लग रही है गाड़ी तुम्हारी कौन सी कौन से कलर की फिर ये बताओ तुम्हारी बुकारटी कौन सी कलर की है देखें चलो आओ देखें चलो आओ <laughs> बंदे का मुंह बंद ये रियल लाइफ है yeah. आपको आपको कोई भी नहीं रियलिटी चेक देगा ना तो एक टाइम बाद आपको आपके घर वाले चेक दे देंगे रियलिटी भाई आप जो लिख रहे थे ना तराने वो नहीं बना के दे रहे पैसे hmm. कब तक खेलोगे बहुत हो गया खेल छोड़ दो और रियल डील लाइफ स्टार्ट करो yeah. ज़रूरत है यहाँ पर घर में बहुत सारी चीज़ें आनी है जो मेरे डैड एक चीज़ बोलते हैं जो पैसे वाली बात पे कि पैसे से खुशी नहीं आती बट पैसे हर वो चीज़ में जरूरी है जिससे खुशी आती है बिल्कुल बहुत Whether तगड़ी बात है भाई मैं सी मैं मैंने आज ये बात ले ली है मैं इस बात को विद इन फ्रैक्श सेकेंड हर चीज़ से कनेक्ट कर गया हूँ इफ़ यू लव समन पैसे से आप वो चीज़ें ले सकते हो जो उस माहौल को खुश कर दे मैं ये नहीं yes. कह रहा कि आप जाके उसको गोल्ड की रिंग दे दोगे हीरे की दे दो नहीं मगर आप एक माहौल बना सकते हो जहाँ आप देखने चाहते हो अपने लवन को बैठा हुआ वो पैसे से आएगा लाइक हाउ डू हाउ हाउ डू एंजॉय लाइफ फैमिली तुम्हारा प्रोफेशन वर्क आर्ट जो होता है एंड जो चीज तुम खुद की हॉबी के लिए करते हो तो राइट यही चीज होती है कि करना है, कर, तो तुम्हें जो ट्रैवल करना स्पोर्ट खेलना उसके लिए पैसा चाहिए <laughs> <शकर laughs> बहुत वैसे ना, देख लो इनकी आइडिया घूम रहे मगर इनके खुद के पैसे नहीं है बहुत जगहों पर किसी और के पैसे ब्रेकअप हो गया चलो कोई बात नहीं देखा जाएगा देखेंगे बहुत है

एग्जैक्ट exactly. exactly. मैं पता नहीं क्यों किट you know मेरे को इतना अच्छा लगा सो दैट्स वट माई फाइट इज क्योंकि मैं जहां से आता हूँ मेरी जो जिंदगी है मैं शायद कभी लोगों के आगे लाउड एंड मैं रखूंगा ही नहीं इस बात को क्योंकि मेरी मेरी तरक्की या मुझे जो बनना है ना वो हर वो चीज़ मिटा देगी सिर्फ मेरे को पता होगी मैं कहाँ से आता हूँ मैंने क्या देखा है बट hmm. मेरी भी लड़ाई यही है भाई आई वॉन्ट बी दैट पर्सन इन माई लाइफ इन माई इन माई फैमिली जिसने वो वो क्राइसिस हटा दिए एंटायर फैमिली हाँ इंटायर फैमिली जनरेशन मैं क्यों ना मेरी लड़ाई बड़ी है भाई मेरे को क्यों ये छोटी छोटी मेरे को नहीं फर्क पड़ता इन चीजों से आप नहीं सोचते हो शायद, मैं सोचता हूं, हूं. कई लोग सिर्फ साउंड करते हैं है ना बट भाई मैं उस चीज पे काम करता हूं लाइक माय टीम एवरीबडी नोज को तो प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है मेरे घर वाले चांसेस हो रहे हैं उन्हें पता है लड़के ने बॉम्बे में घर रह रखा चिल मार रहा है अपना बैठा हुआ है काम से गया हुआ है ये मैंने खुद करा है ठीक है तो वो एक बहुत ये मेरी लड़ाई खुद से है इस चीज की कि मुझे पता है गरीबी क्या होती है घर में का राशन कैसा आता है आई नो एवरीथिंग मुझे कहां जॉनरो में डाल रहे हो तुम लोग मैं भाई अपने घर से अपने माओ पोसों का भरोसा ले मैं कमाने निकला बाहर yeah. नाम और पैसा इज्जत सब कमाने निकला हूं कहां भटका रहे हो मुझे यार मैं कहां भटकूंगा इन चीजों से आप भटको यार आपके घर में शायद आपने ये चीजें नहीं देखी होंगी और अगर आप बोलो कि नहीं भाई द रियल वंस हमने देखी है तो बोलिए काम करना उस मुझे मत डालो इन डाल भाई बातें मैं बता रहा ना चोट अगर बदन पे लगी हो ना वो मरहम दवाई से ही ठीक होता है बातें चोदने से ठीक नहीं होता पट्टी लगती है पैसा लगता है बात तो सही है रफ्तार भाई ने मेरे को एक बात बोली थी बहुत तगड़ी मैं एक हाउस पार्टी में था शो खत्म हो गया था उसके बाद मिला था मैं वो और में खड़े हुए छत पे उन्होंने मेरे को एक बहुत तगड़ी बात बोली वो मेरे को बोलते है कहते हैं तो बड़े प्यार से ना बाबू बोलते हैं कहते बाबू वो एक बात बता कह रहा देख मैं रैपर हूं हूँ कह रहा कल को मेरी वहां को कुछ हो जाता है भाई मैं उस दिन ना कसम से बता रहा हूं मैं बहुत बड़ी चीज सीखा हमेशा से सुनी है बट समझ आ ना जब मैं जाकर कि मैं उस इंसान को जिसको मैं आइडल माँ वो बंदा मेरे सामने बात बता रहा है कह रहा मैं रैपर हूँ कह रहा तेरे को पता है कल को मेरी माँ बीमार हो जाती है कह रहा मैं हॉस्पिटल लेके भागता हूँ कह रहा मैं वहाँ जाके ये ये बोलूँगा मेरा रैप सुन लो और मेरी माँ को ठीक कर दो कह रहा उसके लिए पैसा लगता है कह रहे तेरे को पता है बहुत से लोग ये चीज़ नहीं गलत कह रहे बहुत से लोग मुझे गलत ठहराएंगे कि क्या पैसे की बात करता है भाई मेरी माँ बच रही है उस चीज़ से वो जरूरी है वो मैं मैंने माना वो सब कुछ नहीं है मेरी माँ के आगे तो कुछ भी नहीं है वो मगर मेरी माँ के सराउंडिंग की चीज़ें वो चीज़ ठीक करके दे रही है तो मुझे वो चाहिए कह रहे किंग हमेशा वो बंदा दिमाग में हमेशा रखियो कि क्या जरूरी है कह रहे हैं आप बहुत से आर्टिस्ट ये चीज नहीं कर रहे और ये तब की बात है ये छोड़ो कब की टाइम की बात है बट ही ऑलवेज द सेम कि वो हमेशा ही ऑलवेज टेल यू कि क्या जरूरी है मेरे को तो बताया भाई कि ज़रूरी क्या है कितना जरूरी है और कितना जरूरी नहीं है जब

ऐसे तो नहीं उठा लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता विद तो exactly. तो तो exactly. so बहुत अच्छी चीज है, है मतलब मैं तो मानता तो हूँ हर इंसान को ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि पहले खुद पे इतना काम कर लो कि जब अपने मापो को ले आ खड़ा करो ना तो उन्हें सच में ये ना होना पड़े मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत बेसिक है मतलब आप उनको देख के नहीं बोल सकते मतलब वो कई बार खुद बोल देते कहते हैं, हमें देख के को कोई बोलेगा मैं किंग की मम्मी किंग के पापा वो मच उनके पास अगर, दे अगर, दे अगर, अगर वैं बोलता कि घुमाओ तो उनको उज्जैन जाना है वो शिव भक्त है तो वो नहीं आ जाना है उनका ये है उनके पास सिर्फ दुआएं है आज भी उनके पास सिर्फ दुआएं हैं और लिटरली मेरी माँ आज भी मैं अगर गड्डी भी रख देता हूँ अपनी माँ के हाथों में और वो उनके हाथों में भी नहीं आती वो ऐसे लेके रखती है यूं तो वो तब भी मेरे से पूछे तेरे पास बचे हैं पैसे मतलब वो है वो चीज़ मैं कभी नहीं खरीद सकता mm -hmm. जिंदगी में वो प्योरिटी में कभी नहीं खरीद सकता मगर मैं लुटा सकता हूँ योर आर इनसाइड म्यूजिक इंडस्ट्री यार और तूने ना स्टार्टिंग से बहुत चीज़ें क्लोजली देखी है क्योंकि यू आर इंडिपेंडेंट यू डन रियलिटी शो यू आर वर्क विद पीपल लाइक रफ्तार और अब नाउ यू आर क्रैकिंग बिगर डील्स यू आर वर्किंग विद पीपल लाइक राइट या म्यूजिक तो यू आर वर्किंग विद एज वेल सो यू एवरी थिंग इफ समन इज वॉचिंग दिस राइट नाउ और उसका म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है राइट वो किसी रीजन से म्यूजिशियन नहीं बन पाया या उसे बनना नहीं है जो भी उसे म्यूजिक में पास में रहना है काम करना है सो वॉट आर दी अपॉर्चुनिटीज वॉट यू फील एज एन आर्टिस्ट की वॉट आर यूर प्रॉब्लम जो बाहर वाला बंदा कोई सोचे और ये सॉल्व कर देता है यार इस पे धंधा बहुत बड़ा बना सकता है आ, पहली चीज में बहुत हाँ पहली चीज़ तो क्या है ना मेरे पास ये मैसेजेस भी आते हैं बड़े बड़े शेडी और बड़े लेम मैसेज लगते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं सर मगर हमारे पास पैसा नहीं है वो बंदा इस बात का क्या ही जवाब देगा जिसके पास खुद नहीं था और उसने कर दिया hmm. मेरे लिए वो क्वेश्चन ही खारिज है सिरे से खारिज करता हूँ मैं ऐसे क्वेश्चन को ऐसा सवाल तो पहली बात मैं रखूंगा ही नहीं कि जो बंदा इस टाइम में जो भी बताने जा रहा हूँ वो इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है पैसे नहीं है ठीक है अगर आप एक किंग फिशर की बियर खरीद सकते हो वीकेंड में बैठ के दोस्तों के साथ पीने के लिए तो भाई आप खाना बना सकते हो तीन हफ्ते की रोक कर रिकॉर्ड कर सकते हो आज भी चीजें हैं ठीक है पॉइंट बींग कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं प्रोड्यूसर भी हूँ ठीक है कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है ये आ रही है कि मेरे पास कोई सिखाने वाला नहीं है hmm. मैं हर उस चीज़ का शायद जवाब खुद हूँ तुम्हारे आगे मेरे पास भी कोई सिखाने वाला नहीं था पॉइंट बींग तुम्हारी क्यूरियोसिटी कितनी है मेरे को अगर यहाँ तक कोई भी चीज़ लेकर आई है ना वो मेरी क्यूरियोसिटी लेके आई है मेरे को जानना है आई वॉन्ट द राइट नॉलेज चीज़ें काम कैसे करती है ठीक है वो आपको अपने आप जिंदगी में आप जो भी बात चाहते हो ना चाहे म्यूजिक हो कुछ भी हो अपने आप उसके फाइंड आउट क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी चीज़ है कि यार अगर पैसा नहीं आ रहा मैं किसी बिना चीज़ को हार्म करे कैसा ऐसा करूँ कि मैं पैसा कमाऊँ या मैं आप कहीं से भी कमा रहे तो मैं उसको कितना लगाऊँ बात आज दस लाख और दस करोड़ की नहीं है बात जब मैं दस हज़ार कमाता था मैं उसमें से भी कितना लगाना कितना लगाना ये नहीं लगाना वो दिमाग में रखता था वो रखना बहुत ज़रूरी है ठीक है तीसरी चीज़ ये आती है हाँ म्यूजिक प्रोडक्शन क्यूरियोसिटी भाई म्यूजिक इज़ ऑल अबाउट क्यूरियासिटी ये आ, आपको कोई सीख आप सो so, दो तरह एग्जैक्ट एक्जैक्टली गलती आप में गलती चीज़ों में नहीं hmm. है यूट्यूब इज़ फ्री कितने प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं कितने गाने आप सुन सकते हो कितनी चीज़ें आप ब्रेक डाउन कर सकते हो बट आपको नहीं करना आपको सिर्फ एक रीज़न चाहिए बहुत सारे इस टाइम मेरे फेलो आर्टिस्ट भी हैं जो मेरे को बहुत ऐसे सिली रीजंस देते हैं ना ना चीज़ें करने की कि भाई यार ऐसा नहीं हो रहा इसलिए नहीं कर पा रहा मैं बोलता हूँ यार क्यों कर रहे हो ये चीज़ें मेरे आगे तो मत बोलो मेरे को तो पता है चीज़ों के ऐसा मत करो तो म्यूज़िक क्यूरियोसिटी दो तरह के कलाकार होते हैं मैं बताता हूँ एक होता है जो जो किताब वाले कलाकार होते हैं जो प्रॉपर पढ़ते हैं भाई मेरी ज़िंदगी में मैं जिस कंडीशन से आता हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं था मैं पढ़ सकूँ और इतना पैसा नहीं था कि मैं लगा सकूँ तो मैं आई बी एम माई ओन टीचर चीज़ों को लेकर और मैं बिलीव नहीं करता कि मैं जब हंड्रेड प्योर हो जाऊँगा तभी मैं उतरूँगा मार्केट में नहीं मैं गलतियों से सीखता हूँ और मैं गलतियाँ करने में बिल्कुल भी दिक्कत ही नहीं करता क्या होगा चार लोग हंसेंगे मगर जब उस जगह दोबारा मैं जाऊँगा ना वो नहीं हंसेंगे क्योंकि ये मेरा होमवर्क है तीसरी चीज़ होमवर्क बहुत ज़रूरी है होमवर्क के अंदर आती है कन्वर्जेशन आप कितनी कन्वर्जेशन आपके साथ वो लोग हैं जो अगर वो आपको सपोर्ट करते है तो आप उन लोगों को अपने कैसे विजन बता सकते हो कन्वर्जेशन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है मतलब मेरी बेटरमेंट के अंदर मेरी नरिशमेंट के अंदर एज एन आर्टिस्ट कन्वर्जेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट करती है इसलिए शायद मैं यहाँ पर आगे जवाब दे पा रहा हूँ चीज़ों के क्योंकि जब ये चीज़ें कुछ भी नहीं थी ना मैं इमेजिन करा करता था मैं अपने दोस्त को बोला करता था इमेजिन कर मैं एक पॉडकास्ट में बैठा हूँ बड़े और सोच मैं वहां पर ये क्वेश्चन मेरे से कर देगा मैं क्या जवाब दूंगा भाई मैं वो करा करता था मैं अब यहाँ पर अब चिल्ला चिल्ला के कपड़े नहीं फाड़ सकता मगर आप ये इमेजिन कर सकते हो कि मैं अपनी चीज़ से कितना प्यार करता हूँ मैं उस मेंटल स्टेट से कितना प्यार करता हूँ मैं उन जवाबों से कितना प्यार करता हूँ जो मेरे से कभी पूछे नहीं गए थे आज से पाँच साल पहले Yeah. अपने गोल्स और अपने बिलीव जो है वो रखना सीखो बोलना सीखो वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं वो बूझ देना बहुत जरूरी है कुछ लोग आपको आएंगे कॉकी बोलने क्यों होने से पहले क्यों बोल रहा है अच्छा जब तक आपको वो चीज का प्लान ना पता हो ना मत बोलो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है क्योंकि कई लोग बहुत कुछ बोल देते हैं इंटरेस्टिंग लेसन कई लोग नंबर वन बोल देते हैं बट बन नहीं पाते नंबर वन पहुंचने तक प्लान हो तुम्हारे पास तब बोलना स्टार्ट तब बोलो और वो धीरे धीरे बनता है ऑलवेज ऑलवेज गो स्टेप स्टेप बाय होल्ड योर फाइनेंसेस ठीक है डेप्रिसिएशन एसेट जो है कोई शर्म वाली बात नहीं है दुनिया में तुमने चलानी है गाड़ी भी लेते हो अगर तुमने चलानी है कोई और लेगा कोई और चला लेगा तुम्हारे घर में ही कोई और चला लेगा या बाहर कोई और चला लेगा एक मशीन रही है पंद्रह साल बाद बीस साल बाद ख़राब हो जाएगी कबाड़ में पड़ी होगी चंक इतना सौ बॉक्स बन के कोई नहीं याद रखने वाला कोई फकनी देने वाला इन चीज़ों को ये चीज़ ज़रूरी नहीं है और दूसरी चीज़ ऑन दी अदर साइड तीन भागों में बांटो चीज़ों को मैं तीन भागों में बांटता हूँ चीज़ों को एक जो मैं अभी कर रहा हूँ एक जो मैं इस साल के अंदर करूंगा और एक जो आपसे दस साल बाद उखाड़ना तो आपके फाइनेंसिस तीन जगह बढ़ जाएंगे हम्म। शॉर्ट टर्म गोल्स मीडियम टर्म गोल्स ठीक है मैं भी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पे हूँ लॉन्ग टर्म पे मैं शुरू करने वाला हूँ चीज़ों को अब वो मेरे लिए मेरे तो सब कुछ क्यूरियोसिटी है मैं देखूंगा कि हो छत्तीस का जब मैं बैठूंगा और मैं पॉडकास्ट कर रहे होंगे तब देखते हैं ये ये चीजें होती है है ना बिल्कुल कितनी तरी... सही चीज मतलब मैं अभी बैठ रहा हूँ आज से दस साल बाद मैं छत्तीस साल का बैठूंगा यहाँ पर और तब हम देखेंगे बैठ के कॉपी पेन लेके क्या क्या उखाड़ा और क्या क्या नहीं उखाड़ा और जो नहीं उखाड़ा नहीं उखाड़ा कोई बात नहीं जो उखाड़ लिया उखाड़ लिया सीख जाएंगे लड़ा तो उस एक कहानी तो होगी और लंबा खींचने के लिए ये पता चल जाएगा क्या नहीं करना या और तीसरी चीज़ भाई देखो अगर आप बेवकूफी करते हो दो दिन चार दिन बाद कोई याद नहीं रखने वाला ठीक अगर yeah. आपसे गलती हो भी जाती है भाई इंटरनेट बहुत बड़ा आए दिन नई नई बेवकूफियों की आती रहती हैं चीज़ें ठीक है ड्रेक की एक बहुत तगड़ी चीज़ है जो मैं फॉलो करता हूँ उसका एक सेवनटी टू सेवनटी टू सेवेंटी फोर आर रूल्स उसका रूल है तो उसमें उसने उसकी मॉम ने उसको सिखाया था कि मतलब इस दुनिया बहत्तर घंटों के अंदर इतनी चीज़ें आती हैं ना अगर आपको कोई पोक कर रहा है कोई चीज़ें बोल रहा है शांत रहो

बड़ी वैसी चीज होती है इमोशन ना बड़ा वैसा है मैं देखो यार इज्जतदार बंदा हूँ अपनी जिंदगी के अंदर छोटा उम्र में माना मगर इज्जत लेके चलता हूं कोई बंदा तूतड़गा नहीं करता प्यार है सबसे मेरे को अगर को कोई आके कोई चीज बोल दे तो मेरे को भी बुरा लगेगा उस चीज को लेके बिना किसी जाने समझे बात की गहराई में पहुंचे अगर किसी चीज का इसी बात का कोई बुरा लग जाए किसी को कुछ भी हो सकता है और एक और एक चीज बहुत गंदी दिक्कत है पता है मैं लिख के दे सकता हूँ भाई ये पॉडकास्ट जो मैं है ना ये हो रहा है जो रैप और ये हिप हॉप

तो रिसेंटली एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई अबाउट आई ट्वीट एट समथिंग मैंने एक ट्वीट किया कि आप चल रहे हो तभी तो ये चीज़ें चल रही हैं <laughs> <laughs> तो मैंने ए, एक एक ट्वीट किया कि है ना अगर मेरे पास 25 घंटे होते दिन में तो भी मैं 26 घंटे काम करता इट्स hmm. नॉट कि मेरे को कोई लाइक आई एम वर्क को हॉले इट्स जस्ट I love work. Exactly. I love the grind because <laughs> exactly. यार I'm talking and I'm loving this. I yeah. I get to know new stories. मुझे तुमसे yeah. कुछ सीखने को मिल रहा है. दस yeah. तरह के लोगों से चीजें मिल रही हैं. I love it. बहुत ट्वीट हो गया बवाल हो गया इट गॉट फीचर्ड इन थर्टी फाइव न्यूज पेपर दैट आम आम प्रमोटिंग टॉक्सिक वर्क कल्चर एंड हम लाइक भाई इस लाइक like, मैंने बोला मैं करता हूँ मुझे पसंद आता है दूसरों के लिए नहीं भाई right? मैं, so, समझ हूं। so, मैं समझ सकता हूँ मैं समझ सकता हूँ वो टॉकिंग टीम के साथ बैठे थे और टीम के साथ ये आप आप देने जा रहे हो पब्लिकली एक अच्छी चीज yeah. कि मैं ये कर सकता हूँ मैं अपने काम से इतना प्यार करता हूँ हाँ। अगर आप कहीं कोने में अपने काम से इतना प्यार करते हो तो इतना ही प्यार होना चाहिए एग्जैक्टली exactly. दैट वो बोल देने अब वो बोल बोल देने देने से से अब आप सच में थोड़ी सरकार पच्चीस घंटे या दुनिया पच्चीस घंटे का बनाने लग जाएगी एक दिन ये चीज हो थोड़ी सकती है हाँ। ये तो बस अफेक्शन और प्यार है बंदा जो कह रहा है अपने बारे में अगर वो पब्लिक है पब्लिक फिगर है वो बस बता रहा है कि यार ऐसा होता तो मैं काम से इस कदर मोहब्बत करता हूँ भाई मैंने भी यही कोशिश करी थी अभी थोड़े दिन पहले कोई चीज समझाने कोई चीज बताने की और एज अ होल सम मैंने वो चीज बताई बट देन उसमें से कुछ रविश लोग आए उसने कुछ और पिक कर लिए कहीं और किसी को बता दी किसी का फ्रेजा ली कुछ बात की कहाँ की कहाँ बन गई मैं एक सुबह उठता हूँ मैं देखता हूँ ये और सबसे और भाई सबसे बड़ी बात उसके अंदर ना तीस सेकेंड का वो है जिसमें मैंने जो हुआ ना मैंने वो प्रेडिक्ट उसी टाइम बैठ के करा था उसी टाइम बैठ के प्रेडिक्ट करा था कि ये बात कोई उठाएगा किसी को लगेगी मैंने स्पेसिफिक किसी के लिए बोली है वो जाके उठा के उसको बोल देगा उसको पता नहीं होगा पूरी कहानी के बारे में वो पूरा डेढ़ घंटे का पॉडकास्ट सुनने नहीं वाला उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी वो जाके मेरे बारे में कुछ बोल देगा और ये सब थमने लगा के ये चीज चला देंगे और राइट नॉलेज <laughs> कभी लोगों तक जा ही नहीं पाएगी तो इंटरनेट इज अ वाइल्ड प्लेस वाइल्ड प्लेस वाइल्ड यहाँ पे सौ तरह के लोग हैं सौ तरह के सौ करेंगे पर आई लव दिस रूल इसके ऊपर आई से लास्ट थिंग कि मेरा इस पर रूल ये है कि ना जब भी मेरे साथ कुछ ऐसी चीज होती है कि मान लो ये कंट्रोवर्सी हुई या बहुत ज्यादा वायरल हो गया तो मैं उसको खुद को अफेक्ट नहीं करने देता कि मुझे अफेक्ट होने भी, भी चाहिए पर ऑन द कॉन्ट्रेरी जब मेरी बहुत तारीफ होती ना मैं वो भी खुद को सर पर नहीं चढ़ने देता कि भाई अगर मुझे हाँ। हेट्रेड अफेक्ट नहीं कर रहा है तो मुझे ओवर लव भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए मैं काम करने आया था मुझे एक्सप्रेस करना है तो मुझे वो एक्सप्रेस करने दो क्योंकि मैं जब तक वो करता रहूंगा तब तक लव और हेट चलता रहेगा सो लेट मी नॉट गेट अफेक्टेड बाई एनी ऑफ दिस बहुत तगड़ी एक लाइन है बता इस बात से जो मेरी लाइफ अच्छा ये जो आपने बात बताई ना इसके लिए गाना है लाइफ में ओके okay. वो मेरा फेवरेट गाना है आ, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया देव साहब की hmm. मूवी का हम दोनों मूवी hmm. अमेजिंग क्लासिक हेट तो उसमें एक लाइन है कि गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहाँ मैं दिल को उस मकाम पर लाता चला गया मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया ये वो चीज है मतलब कि आपने सेंटर पॉइंट पकड़ रखा है कि गम और ख़ुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ मैं दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया yeah. कि मैं हूँ और मेरा पागलपन और मुझे पता है मुझे क्या करना है चार गाली बकेंगे तो चार तारीफें भी करेंगे इन द एंड ऑफ द डे भाई इट्स योर स्टोरी लोग आएंगे आपके ऊपर टैग भी देंगे आपको ये भी देंगे मेरे को बोलेंगे मैं कोई कोई लड़ेगा कि नहीं किंग हिप हॉप करता है कोई कहेगा नहीं ये पॉप करता है कोई ये करेगा इट्स इन द एंड ऑफ द डे इट्स माय स्टोरी मैं कहाँ से आया हूँ मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ जाना हुँ. चाहता हूँ साठ सत्तर साल के जब बूढ़े हो जाएंगे बैठा रहूँगा मुझे पता होगी ये कहानी यार yeah. मुझे पता होगी मेरे लिए मेरा पता होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कि मैंने क्या करा है नहीं तो सिर्फ सिर्फ परसेप्शन है भाई Hmm. सिर्फ मुझे पता है मैंने क्या करा जिंदगी में मेरे घर वालों को पता है मैंने क्या उखाड़ा जिंदगी मैं क्या करना चाहता हूँ yes. किसी को अच्छी लगेगी उस हिसाब से मेरी जिंदगी ड्राइव नहीं होती और मैं हर किसी एवरी आर्टिस्ट बस माहौल इतना खराब है ना भाई मैं किसी को सजेशन भी नहीं दे सकता क्योंकि अगेन वो एक टर्म है राइट नॉलेज थिंग टॉकिंग अबाउट राइट नाउ उनको उससे कोई मुद्दा नहीं है मैंने 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 ये भी अभी देखो हमने बैठ के डिवाइड कर दी चीजें कि कैसे कैसे होता है कैसे कैसे कमा सकते हो क्या क्यों जरूरी है क्यों जरूरी नहीं है हमने ये भी बताया कि क्या चीज नहीं खरीद सकते और क्या चीज ले सकते हैं उसके अराउंड की घट्टा फर्क नहीं पड़ता उन्हें क्योंकि पता है क्या भाई दिक्कत उनकी नहीं उनकी लड़ाई इतनी बड़ी नहीं है आई फील पिटी फॉर छोटी उनकी लड़ाई बहुत छोटी है इसलिए छोटी छोटी बातें उठाते हैं दूसरों के कान भरते हैं ये सब होता है इसीलिए आपके उसमें ट्वीट वाला बवाल बना ये सारी वो जो समझ पाए ना भाई मैं समझ पाया क्योंकि मैं रिलेट करता हूँ क्योंकि मेरी लड़ाई छोटी नहीं है मैं समझ सकता हूं तो आप बोलते हो पच्चीस घंटे होते तो मैं छब्बीस घंटे काम करता मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं अपने लोगों को कई बार कहता हूँ कि मेरा ये कहना है कि भाई कभी कभी ना मैं बोलता हूँ कि यार ये ये दिन चौबीस घंटे का क्यों होता है ये अड़तालीस घंटे का क्यों नहीं होता कभी कभी मैं इस मूड में होता हूँ यार 48 घंटे का एक दिन होता तो कितने काम कर लेते यार 24 घंटे इतने से होते खत्म हो जाता है दिन लिटरली दिन कब खत्म हो जाता पता ही नहीं लगता अब जिनके दिन में 24 घंटे पड़े पूरे करने को कुछ भी नहीं उनके लिए तो लड़ाई बहुत छोटी है ना वो तो छोटी चीज़ ढूंढेंगे दिक्कत पता है क्या है <coughs> पूरा कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझता hmm. आपकी बातें उठाई जाती हैं तोड़ी मोड़ी जाती हैं क्लिपें काटी जाती हैं लगाई जाती है कैप्शन बनाए जाते हैं चलाए जाते हैं कैंपेन्स कभी फेवर में तो कभी आपके अगेंस्ट अगेंस्ट में अब क्या इससे मैं बदल जाऊंगा? मैं नहीं बदलूंगा क्योंकि मेरी कहानी मैं जानता हूँ दिस इज़ माई स्टोरी ऊपर वाले ने लिखी उसी ऊपर वाले के ऊपर लिखे हुए मैं उसी के ऊपर अपनी अपनी चला रहा हूँ मैं कुछ नहीं बदल रहा भाई जो उसने लिख दिया बस उसी के ऊपर मैं अपना पेन चला रहा हूँ लिखे हुए पर बस पूरी ख़त्म करूंगा लिख के जहाँ तक लिखी होगी और दस साल बाद फिर हमें पॉडकास्ट कर रहे होंगे ठीक है ये तो मैंने दिमाग में सोचा मैं छत्तीस का होता ही फोन खड़का दू <laughs> ये तो अभी तो बीच में होने ही है बट मैं छत्तीस का होता <laughs> भाई, 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 let's go, <laughs> कितनी चीजें हुई कितनी नहीं हुई यही तो मजा भाई यार इट्स फन दिस इज लाइफ एक ही मिली है भाई यही तो फन है कि क्या सपने देखे क्या पूरे करे और क्या रह गए मेरे भी बैक ऑफ द माइंड में होगा भाई मेरे को जाना है एक बार पॉडकास्ट देना है मैं पीछे नहीं हट सकता भाई ये डील आ रही है तो बहस क्या करनी है मेरे को ये काम आ रहा है तो ये चार सौ फाल मारना है तो सोना नहीं है करना है क्योंकि वहां बैठ के जब जवाब देना है ना तो यार भाई अभी ये काम कर रहा है अब लगा लो मैंने मैंने अपनी प्रैक्टिकलिटी से अपने अपने प्लान से मैंने दुआएं भी कमा ली है दुनिया से यहाँ चार नोट नहीं कमाए जा रहे ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच ब्रदर नाइस नाइस गुड प्लग सो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच ब्रदर थैंक यू फॉर कमिंग हियर प्लेजर डूइंग अ पॉडकास्ट मैंने सोचा नहीं था so कि इतने सारे टेंजेंट्स पे बात होगी मजा काफी मजा आया